हेलो एवरीवन, ये है नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज। इसमें हम एक ही वीडियो में पिछले 33 ईयर्स में नीट या रिलेटेड मेडिकल प्री मेडिकल एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, कौन सा है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से, सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्या पता फिर से रिपीट हो जाए। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सारे के सारे क्वेश्चंस फॉर्मूले के साथ मैं बता दूंगा, साथ में आपको लेवल नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस सीरीज के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप YouTube पे सर्च कर सकते हो फिजिक्स एंड गेम, या फिर ये कलरफुल नोट्स को भी डाउनलोड करने के लिए आपको आ जाना है bit.ly/physicsandgame। यहाँ पे जाओगे तो सारे के सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई, और ये कलरफुल नोट्स की PDF भी वहाँ पे मिल जाएगी काफ़ी लो साइज में, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। और मेरी लाइव क्लासेस भी होती हैं, वो होती है bit.ly/bombphysics पे। अच्छा, और कहाँ पर होती है मेरी लाइव क्लासेस? वो होती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। चाहे आप नीट की कर लो, ITJEE की कर लो, CBSE की कर लो, फाउंडेशन की कर लो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते आइकॉनिक, तो आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस। साथ में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, इंडिया की टॉप फैकल्टी वहाँ पे लाइव पढ़ाती है। हर हफ्ते नए नए कोर्सेज और बैचेस लॉन्च होते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता साल का कौन सा समय चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और बहुत सारे एग्जाम्स दो वहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर टेस्ट पेपर के आपके आंसर्स एनालाइज किए जाते हैं, पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, फिर उस टॉपिक की क्लासेज आप एक्स्ट्रा अटेंड कर लो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, फिर मेरा इन्वाइट कोड यूज़ करना है विक्रांत, क्योंकि उससे आप अपना फ्री प्लान भी अनलॉक कर पाओगे। और उसके बाद आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते समय भी मेरा कोड विक्रांत यूज़ करोगे तो उससे आपको मिलता है भारी छूट मिलती है। मेरा कोड लगाएंगे तो आपको भारी छूट मिलेगी, छूट ही छूट मिलती जाएगी, तो ज़रूर लगा अभी के अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो। और अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो है टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर स्केल्स काम कैसे करते हैं? देखो, हमेशा हमारे पास एक रेफरेंस वैल्यू होती है, जैसे इसमें एक लो पॉइंट होता है, एक हाई पॉइंट होता है। तो हमारे पास यूजुअली जो डिग्री सेल्सियस स्केल है उसमें लो पॉइंट होता है, पानी जब जम जाता है, बर्फ होती है, तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, उसे बोला गया। और हाई पॉइंट कौन सा होता है? हमारा जो पानी बॉयल होता है उसको 100 डिग्री सेल्सियस बोल दिया गया। इस तरीके से हमारे पास एक स्केल बन गया, उसमें बीच में आपको बहुत सारी रीडिंग्स ऐसे 100 डिवीजन कर दिए तो रीडिंग्स मिल जाती। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट स्केल होता है, यहाँ पर होता है हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो जमती हुई बर्फ या पिघलती हुई बर्फ का टेम्परेचर, यहाँ पर होता है हमारे पास 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल आ जाता है। हमें बहुत सारे स्केल्स का इंटर कन्वर्जन करना होता है, तो वहाँ पे हम कन्वर्जन कैसे करेंगे? हमारे पास लीनियर वेरिएशन होता है, तो यहाँ पे अपन ऐसा करते, देखो ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाई ये वाली लेंथ इज इक्वल टू ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाई ये वाली लेंथ, ये रेशियो हमेशा मेंटेन होगा। तो देखो X1 - L1, जो स्केल वन पे रीडिंग है माइनस उसकी लो पॉइंट, डिवाइडेड बाई H1 - L1 इज इक्वल टू X2 - L2, यानी ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाई H2 - L2, ये वाली लेंथ। तो बस एक फॉर्मूला है, इससे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज लीनियर एंड कॉल्ड द W स्केल, उसका अच्छा उसका नाम W स्केल है, द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर आर 39 degree W एंड 239 degree W respectively. What will be the temperature on the new scale corresponding to a temperature of 39 degree Celsius on the Celsius scale? तो इसको सॉल्व करना शुरू कैसे करेंगे? पहले हम ऐसे ही लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास ये जो ऊपर हाई पॉइंट होता है, एक नीचे लो पॉइंट होता है। हाई पॉइंट कितना होता है? डिग्री सेल्सियस साइड में होता है 100 degree Celsius, इधर होता है 0 degree Celsius, है ना। हमारे इसमें W में 239 पे पानी उबल रहा था, तो यहाँ लिख देंगे हम 239 degree W, यहाँ पे सिर्फ 39 degree W। ओके, हमसे पूछा क्या है कि 39 डिग्री सेल्सियस जब हमारा टेम्परेचर होगा तो इस W स्केल में वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इस तरीके से 39 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे W, या फिर उसको मान लो मैं X बोल देता हूँ, X degree W। हमें करना है क्या है, दिस अपॉन दिस माइनस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं ही सॉल्व करता हूँ। देखो हमारे पास आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि 39 - 0/100 - 0 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो उसकी वैल्यू आ जाती है X -39/239 - 39।
इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 39 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200 इज इक्वल टू एक्स माइनस 39। ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाता है, x की वैल्यू आ जाएगी 39 इंटू 2 प्लस 39 यानी कि 39 इंटू 3। 39 इंटू 3 कितना हो जाता है, 9 इंटू 3 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3 इंटू 3 तो यहाँ पर 117 डिग्री W हमारा आंसर आ जाने वाला है जो है B। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो अगला सवाल देखते हैं क्या है। अ सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट थर्मोमीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, स्टार मार्क देखना, इसमें गलती होने के बहुत स्कोप है, कैसे होती है गलती वो भी देखना। द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल द फारेनहाइट थर्मोमीटर रजिस्टर्स 140 डिग्री, वॉट इज द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाई सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। तो इसमें हमें इन्होंने वैल्यूज ही नहीं दी, वो रेफरेंस वैल्यूज, तो हमें वो वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे जब पानी नीचे बर्फ जमी होती है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इधर होता है 32 डिग्री फारेनहाइट। जब पानी उबलता है तो यहाँ पर हमारे पास होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इधर होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। अब हमसे क्या बोला गया, द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल द फारेनहाइट थर्मोमीटर रजिस्टर 140 डिग्रीज, तो यहाँ पर आ गए हम 140 डिग्री फारेनहाइट। इस वक्त x की वैल्यू क्या होगी हमें वो पता करना है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और x की वैल्यू को पता करो। मैं करता हूँ, कैसे करोगे, देखो हमें पता है दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ऐसा हमारे साथ होने वाला है, तो हम यहाँ पर कर देंगे 140 माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 जिसकी वैल्यू 180 होती है, है ना। फारेनहाइट में हमारे पास 180 डिविजन्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास 100 डिविजन्स होते हैं, याद रखना है। इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, एक्स की वैल्यू आ जाती है 140 माइनस 32 की वैल्यू कितनी हो जाती है 108, 108 डिवाइडेड बाई नीचे था 180 इंटू 100, ये दूसरी साइड से 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, ये 9 से ये वाली चीज़ भी कट जाती है, हमारा आ जाता है ये 12 और नीचे आ जाता है 2, 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे बचता है 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस, हमने मार्क कर दिया बी, और यहीं पे हमारा आंसर गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा नहीं है कि एक्स की वैल्यू कितनी है, हमसे ये नहीं पूछा, देखो हमसे पूछा गया व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाई सेंटीग्रेड थर्मोमीटर, तो कितना टेम्परेचर गिर गया, पहले कितना था 100 डिग्री सेल्सियस पे था, जब पानी उबल रहा था ना उसमें डिप कर रखा था बॉइलिंग वाटर, 100 से नीचे आ गए हैं हम 60 डिग्री पे, तो ये फॉल कितना हुआ है, तो फॉल इज इक्वल टू 100 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, आंसर है हमारा सी, इसीलिए इसे स्टार मार्क किया था। पूछो मतलब पढ़ लो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, जल्दी जल्दी में आंसर हमें मार्क नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्क्यूरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अप टू, तो एक लिमिट है मर्क्यूरी टेम्परेचर से, आप ऐसे नहीं जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक का टेम्परेचर नाप सकते हो, ऐसी लिमिट क्यों है, क्योंकि मर्क्यूरी एक लिक्विड है, ज़्यादा गर्म करोगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो मर्क्यूरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे ज़्यादा तो आप उस लिक्विड थर्मोमीटर से कैसे करोगे, वो आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, फटफटा जाएगा, वो कांच का बना होता है, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, तो मर्क्यूरी का जो मेल्टिंग नहीं बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होता है 357 या 356.7 समथिंग ऐसे डिग्री सेल्सियस, तो हमारा आंसर इसीलिए सी हो जाता है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए मर्करी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उनको याद रखो। आगे चलते हैं, तो हमारे पास अब आता है नेक्स्ट टॉपिक थर्मोकपल। थर्मोकपल में हमारे पास दो अलग अलग तरीके के इस तरीके से मेटल्स होते हैं, और यहाँ पे एक वायर है, जैसे मान लो ये कॉपर का वायर है नीचे वाला, ऊपर वाला हमारा आयरन का है, ये Fe है, ये Cu, एक एंड को मैं हॉट रखता हूँ, दूसरे एंड को अगर मैं कोल्ड रखता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एक EMF जनरेट हो जाता है, जिसके कारण इसमें कुछ सर्किट में करंट आ जाता है। अब वो EMF की वैल्यू बदल सकती है, कैसे बदलेगी, देखो हमारे पास दो टेम्परेचर थे, एक कोल्ड पॉइंट था एक हॉट पॉइंट था, इसका टेम्परेचर बदलता हूँ तो भी EMF पे फर्क पड़ेगा, इसका टेम्परेचर बदलता हूँ तो भी EMF पे फर्क पड़ेगा, तो अब इन दोनों को बदलते रहेंगे तो उसको स्टडी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं इस कोल्ड पॉइंट को रोक देते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स कर देते हैं, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस, उसे पिघलती हुई बर्फ में डुबो दिया तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम इसे गर्म ठंडा करते रहते हैं और इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं कि अगर हॉट पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो EMF की वैल्यू कितनी होती, तो अगर हॉट पॉइंट का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे तो पहले ही था 0 डिग्री सेल्सियस, तो एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास EMF की वैल्यू 0 आ जाती,
तो टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो पहले हमारा ईएमएफ बढ़ता है, फिर उसके बाद ईएमएफ फिर से कम होता है, इधर जाकर के फिर नेगेटिव में चला जाता है, कहीं तो उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले पॉजिटिव ईएमएफ था फिर नेगेटिव ईएमएफ आ रहा है, तो इसे हम बोल देते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। और क्योंकि ये सिमेट्रिक पैराबोला होता है, मतलब ऐसा आता है, तो बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। तो हमारे पास इस तरीके के तीन टेम्परेचर हो सकते हैं। एक होता है कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर, हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को हम वेरी करते हैं, तो वो कभी वो टी एन होगा या कभी टी आई होगा। बस इतने सब एक क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला बनता है। ये जो टी एन है वो एक्चुअली इसका और इसके बीच का मिड पॉइंट है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ से आता है टी एन इज इक्वल टू टी आई प्लस टी सी डिवाइडेड बाई टू। और किसी तरीके के सवाल नीट में नहीं पूछे आते। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, थर्मो ई एम एफ कैसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन, इफ द कोल्ड जंक्शन ऑफ ए थर्मोकपल इज कैप्ट एट 0°C, ठीक है, एंड द हॉट जंक्शन इज कैप्ट एट 3°C, then the relation between neutral temperature and temperature of inversion is, कैसे पता चलेगा? देखो यार इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमारे पास इस तरीके से ग्राफ होता है, ये है हमारा टी सी, जीरो जिसकी वैल्यू दी है, टी सी इज इक्वल टू जीरो। हमारा ग्राफ कैसा होता है? इस तरीके का जाता है। ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है यहाँ पे इन्वर्ट हो जाता है ईएमएफ। देखो पहले पॉजिटिव था फिर बाद में नेगेटिव हो जाएगा, था दिस इज टी आई, और जो मैक्सिमम वाली वैल्यू, इसका नाम यार टी एम या टी मैक्स रख देते हैं, इसका नाम होता है टी न्यूट्रल। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आती है टी एन इज इक्वल टू टी आई प्लस टी सी डिवाइडेड बाई टू। अब टी सी की वैल्यू इस क्वेश्चन में जीरो दे रखी है, देखो है ना, 0°C पर रखा हुआ था, तो हमारे पास टी एन की वैल्यू आ जाती है टी आई डिवाइडेड बाई टू, टी एन इज इक्वल टू टी आई बाई टू, हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। इतना सिंपल ये क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। आगे चलते अगला सवाल देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ऑफ ए थर्मोकपल इज 620°C एंड न्यूट्रल टेम्परेचर इज 300°C, वॉट इज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। इस बार हमारे पास इस तरीके से मान लो जो भी ग्राफ है, तो हमें क्या दिया है कि इन्वर्जन टेम्परेचर, ये वाला जो टेम्परेचर होता है इसकी वैल्यू है 620, मिड पॉइंट वाली वैल्यू है यहाँ पर 300°C, तो हमसे ये टी सी की वैल्यू बोली है। अब यहाँ पे ग्राफ मैंने ऐसे बना लिया तो देख के लग रहा होगा कि इसकी वैल्यू जीरो है, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि टी सी हमेशा जीरो हो, उसकी कोई फिक्स्ड लो पॉइंट वैल्यू होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है वो हमेशा जीरो रहे, है ना। तो और जीरो वैसे ही कोई खास वैल्यू है नहीं, जीरो बस अचीव करना आसान होता है, इसलिए हम पिघलती हुई बर्फ़ में डाल देते हैं तो वो जीरो पे मेंटेन रहता है, नहीं तो आप -50 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ओके, अगर मिड पॉइंट 300 है, ये इधर 620 था, तो यहाँ वैसे कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, हमें देख के पता चल रहा है इसकी वैल्यू -20 आने वाली है, आंसर हमारा सी आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप कैलकुलेशन करना चाहो तो हमें पता है टी एन इज इक्वल टू टी आई प्लस टी सी बाई टू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी एन की वैल्यू थी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 × 300 इज इक्वल टू टी आई की वैल्यू आ रही है 620 प्लस टी सी, यानी कि टी सी इज इक्वल टू 600 -620 विच इज इक्वल टू -20°C। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, घबराना नहीं है। ये सब देखिए, इन्वर्जन टेम्परेचर हो रखा है, एक हमारा न्यूट्रल टेम्परेचर हो रखा है, बस पता होना चाहिए हो क्या रहा है। ओके, अब हम आते हैं उस टॉपिक पे जिस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, नहीं उतने ज़्यादा इस पे नहीं आते, थर्मल एक्सपेंशन। कोई भी चीज़ है तो उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है, उसकी लेंथ कम ज़्यादा होती है। कैसे होती है? देखो, हमारी इनिशियल ओरिजिनल जो लेंथ थी वो थी मान लो एल नॉट, उसको बोला जाएगा, और अगर उसको हम डेल्टा टी, उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो एक कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है अल्फा, तो फाइनल लेंथ हमारी हो जाती है एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 + α δt। 1 क्यों है? 1 तो जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी वही आ जाएगी, और इतनी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। तो अगर हमसे कोई बोले सिर्फ चेंज इन लेंथ की बात करें तो वो आ जाएगा एल नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू अल्फा डेल्टा। अब ये तो लेंथ की बात हुई, लेकिन अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसी शीट है तो शीट में इस तरफ भी एक्सपेंशन होगा, इस तरफ भी एक्सपेंशन होगा, तो उसके कारण हमारा एरिया कुछ इतना एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। उसमें हमारे पास जो एरिया में चेंज आ जाता है वो उसका कोफिशियंट होता है बीटा, और बीटा की वैल्यू एक्चुअली 2 × α आ जाती है। और इसी तरीके से अगर कोई क्यूब है तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज के लिए डेल्टा वी की वैल्यू हो जाती है वी नॉट इंटू गामा डेल्टा टी, और गामा की वैल्यू 3 × α हो जाती है। एरिया में क्योंकि लेंथ का स्क्वायर होता है तो 2α आ गया, यहाँ पे लेंथ का क्यूब होता है तो 3 × α आ गया। बस इस तरीके से हमें वैल्यू रखनी, बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन होते हैं। और एक चीज़,
अगर हमारा डेल्टा वी छोटा होता है, ये डेल्टा वी है ना, डेल्टा टी भी छोटा होगा तो डेल्टा वी भी छोटा हो जाएगा, सारी चीज़ें छोटी हो जाएंगी, उस केस में चेंज रिलेटिव चेंज इन जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू माइनस रिलेटिव चेंज ऑफ डेंसिटी होती है। डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा तो डेंसिटी में भी चेंज होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, अगर डेंसिटी बढ़ती है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। इसीलिए यहाँ पे माइनस एक आ जाता है, तो ये एक रिलेशन है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर अल्फा वन एंड अल्फा टू। ठीक है, तो हम पहले दो स्टील रॉड्स लिख लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास ब्रास है और एक स्टील है। इसका है कोएफिशिएंट अल्फा वन, इसका है अल्फा टू। लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर एल वन एंड एल टू। इसकी लेंथ है एल वन, इसकी लेंथ है एल टू। इफ एल टू माइनस एल वन is maintained same at all temperatures, which one of the following relation should hold good? यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो हमारे पास L1 length थी brass की। अब इसको हम थोड़ा गर्म करते हैं, temperature delta T मान लो change करते हैं, दोनों के लिए delta T अगर हम same रखें तो उस केस में क्या होगा, brass भी थोड़ा लंबा होगा, steel भी थोड़ा और लंबा होगा, लेकिन उन दोनों को इस तरीके से लंबा होना है कि उन दोनों के बीच का जो difference है ना वो हमेशा constant रहे। तो इनिशियली जो डिफरेंस था वही बाद में रहे, तो इन दोनों का जो एक्सपेंशन में डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमें टेम्परेचर के चेंज के इंडिपेंडेंट बनाते हैं। उसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो, कैसे सॉल्व करोगे, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, चलो देखते हैं कैसे। हमको करना क्या है, देखो हमें करना है एल टू माइनस एल वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एल टू में कितना चेंज आ रहा है, अगर L2 की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो तो L1 की ओरिजिनल वैल्यू वो तो बदलती नहीं है। L2 में जितना भी चेंज आता है और L1 में जितना भी चेंज आता है उन दोनों का डिफरेंस अगर जीरो कर दिया जाए तो ये वैल्यू कांस्टेंट रह जाएगी। तो डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L1 इज इक्वल टू जीरो, ये हमें कंडीशन लगानी है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, ये डी L2, ये डी L1 हो गया। ओके, चेंज इन L2 की वैल्यू कितनी थी, वो हो जाती है जो भी L2 की ओरिजिनल वैल्यू थी इनटू अल्फा 2 जो था इनटू डेल्टा टी, माइनस चेंज इन L1 की वैल्यू कितनी है, वो हो जाएगी L1 इनटू अल्फा 1, L1 इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाता है और हमारे पास कंडीशन आती है L2 अल्फा 2 इज इक्वल टू L1 अल्फा 1, जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब ऐसा हो जाएगा तो हमारी L1 और L2 की वैल्यू अलग अलग होगी इनिशियली, देखो है ना, उनका कुछ रेशियो हो सकता है, लेकिन अब थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसमें जितना एक्सटेंशन होता है उतना ही इसमें होता है, ताकि फाइनली इनके बीच में जो ये वाला डिफरेंस रहेगा वो इनिशियल डिफरेंस के बराबर रह जाने वाला, ऐसा हमसे क्वेश्चन में बोला गया था। ऐसा हो जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A copper rod of 88 centimeter and an aluminium rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperatures. तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी सी गलत हो गई है, उनकी लेंथ में जो इंक्रीज होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर नहीं हो सकता, जितना ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस आप लाओगे उतना ज़्यादा तो लेंथ बढ़ती जाएगी। यहाँ पे भी वही बोलना चाहते हैं कि उन दोनों का जो लेंथ में एक्सपेंशन होगा उसका डिफरेंस एक्चुअली डेल्टा टी के इंडिपेंडेंट आने वाला है। द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड इज, इसको कैसे सॉल्व करोगे, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो, कंडीशन तो हमने पिछले में डिराइव कर ही ली थी। ओके, मैं बताता हूँ, हमारे पास देखो लेंथ ऑफ कॉपर या डेल्टा एल, जो लेंथ कॉपर की लेंथ में चेंज आने वाला है वो होने वाला है एल सी इंटू अल्फा सी इंटू डेल्टा टी। हमारे पास जो चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम होने वाला है वो हो जाएगा लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इंटू अल्फा एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी। हम दोनों को हमें पता क्या करना है कि इन दोनों का जो चेंज में डिफरेंस आ रहा है वो डेल्टा टी के इंडिपेंडेंट हो, तो यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों अगर बराबर रहेंगी तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से चेंज जीरो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले वीडियो की तरह। तो हमारे पास डेल्टा एल सी माइनस डेल्टा एल एल्यूमिनियम शुड बी जीरो, या फिर हम लिख सकते हैं दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो हमारे पास आ जाता है LC into alpha C into delta T is equal to LAL into alpha AL into delta T।
यहाँ पर डेल्टा डी से डेल्टा डी कट जाएगा, जो हमारी कंडीशन हमें चाहिए भी थी, टेम्परेचर के चेंज के इंडिपेंडेंट आना चाहिए कुछ भी। तो हमें पता क्या करना है, कॉपर की तो हमें लेंथ दी हुई है, अल्यूमिनियम की हमें पता करनी है। यहाँ से हमारे पास आ जाता है एल अल्यूमिनियम इज इक्वल टू एल कॉपर इंटू अल्फा कॉपर अपॉन अल्फा अल्यूमिनियम। लेंथ ऑफ कॉपर है 88 सेंटीमीटर, अल्फा ऑफ कॉपर की वैल्यू क्या है 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5, और नीचे आ जाएगा अल्फा ऑफ अल्यूमिनियम वो है 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। 2.2 11 से मल्टीप्लाई करो तो 1.1 हो जाएगा, सॉरी 1.1 नहीं, ये हो जाएगा सिर्फ 0.2, ये हो जाएगा 8। तो आप डिवाइड करोगे तो यह आ जाता है 40 इंटू 1.7 उसकी वैल्यू हो जाती है, 40 इंटू 1.7 हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। डी हमारा आंसर आ जाता है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था, आसान सवाल था। आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज इतनी। द फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन फॉर ए राइज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन दिस टेम्परेचर इज। अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, मास तो हमेशा उसका कांस्टेंट रहने वाला है, तो मास का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाता, हमारे पास आता है डी वी इंटू रो प्लस वी इंटू डी रो इज इक्वल टू जीरो। दोनों तरफ आप मास से डिवाइड कर दो, मास की वैल्यू क्या थी वी रो और यहाँ पे वी रो, यहाँ पर ये कट जाता है, ये कट जाता है, इससे हमें पता चलता है डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी रो अपॉन रो। ये वैल्यू कब हो जाएगी, जब डी वी की वैल्यू स्मॉल हो, छोटा होना चाहिए चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, क्या हम पता कर सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम कितना था, डी वी बाई वी की वैल्यू पता कर सकते हैं? बिल्कुल हम पता कर सकते हैं। डी वी इज इक्वल टू होता है वी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी, यहाँ से डी वी बाई वी की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, डी वी क्या है, डेल्टा वी था, डेल्टा वी है ना, डेल्टा वी का फॉर्मूला है, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा टी। गामा की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो कोफिशियंट है वो है। डेल्टा टी कितना किया है हमने, 40 डिग्री रखा है, इसकी वैल्यू आ जाती है 5 इंटू 4 इज 200 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, यानी कि 0.02। ये आ जाता है हमारा 0.02 इज इक्वल टू डी रो अपॉन रो। तो यही तो है हमारा रिलेटिव, अच्छा माइनस होगा ये, है ना, लेकिन यही तो है हमारा रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी। तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाता है ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इसमें कुछ ज़्यादा करने के लिए था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इतनी एंड एट 40 डिग्री सेल्सियस इट इज इतनी। द कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज एग्जैक्टली पिछले सवाल जैसा ही है। तो हमें पता है, देखो पिछले सवाल में हमने क्या देखा था, मैं फिर से उस चीज़ को डिराइव कर देता हूँ। देखो मास होता है हमारा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूँ तो इस तरफ जीरो जाएगा क्योंकि मास कांस्टेंट रहेगा, हम जिस भी लंप की बात कर रहे हैं। इस तरफ आ जाता है रो इनटू डीवी इज प्लस वी इनटू डी रो। दोनों तरफ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी डिवाइड कर दो, मास से मास के लिए होती है रो वी, ये भी होता है रो वी, यहाँ पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाता है डी वी बाय वी इज इक्वल टू माइनस डी रो बाय। ओके, अब हमारे पास चेंज इन डेंसिटी क्या हमें पता है, चेंज इन डेंसिटी क्या हम बता सकते हैं। यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है, चेंज इन डेंसिटी की वैल्यू है 998 माइनस 992 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डेंसिटी कितनी थी, वो 998 ले लो आप या 992 ले लो, मैं तो उसको ऑलमोस्ट 1000 मानूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाने वाली है कितनी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 998 या फिर 6 डिवाइडेड बाई 1000 भी कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.006। तो हमारे पास डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आ गई है 0.006। अभी प्लस माइनस को भूल जाओ, है ना, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। अच्छा, डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है, वी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, हमें डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू पता चल चुकी है जो है 0.006। इसकी वैल्यू हो जाती है गामा इंटू डेल्टा टी, गामा की वैल्यू हमें पता करनी है। डेल्टा टी कितना है चेंज इन टेम्परेचर, देखो 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री हमारे पास जो चेंज है
वो है 20 डिग्री का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू 20 डिग्री। ओके, तो गामा की वैल्यू आ जाती है 0.006 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 0.0003, या फिर इसको बोल सकते हो आप 3×10⁻⁴ यूनिट्स हम लगा लेंगे पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, जो भी यूनिट्स आने वाली है, दोनों सेम ही हो जाता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है बी। अच्छा सवाल था, आगे चलते हैं। क्या हो रहा है ये? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट ट्रांसफर। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हीट ट्रांसफर से ही आते हैं। हीट ट्रांसफर होता कैसे? मान लो हमारे पास इस तरीके से एक रॉड है और उसका यहाँ पे कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ए, ठीक है, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होगा T1, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होगा T2, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम बोल देंगे डेल्टा टी। अच्छा, जितना ज़्यादा डेल्टा टी होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा, हीट को जाने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी, लेकिन जितनी ज़्यादा इसकी लेंथ होगी उतना कम हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि फिर हीट को ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलने वाला है इस तरीके से फ्लो होने में। तो हमारे पास dQ/dt यानी जो हीट ट्रांसफर की रेट होती है उसकी वैल्यू आ जाती है K, जो कंडक्टिविटी, इंटू एरिया डिवाइडेड बाय इंटू डेल्टा टी। इस तरीके से हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले में बन जाएंगे। फिर हमारे पास दूसरी कैटेगरी आती है जहाँ पर हम एक रॉड की जगह दो रॉड को जोड़ देते हैं, ऐसे या तो सीरीज में जोड़ देंगे या फिर इस तरीके से पैरेलल उसको जोड़ देते हैं, तो दोनों में हमारे पास कुछ के इक्विवेलेंट आ जाता है। उसका फॉर्मूला क्या है? सीरीज में हमारे पास ये फॉर्मूला है 2K1K2/K1+K2, जहाँ पे इस रॉड का K1 है, इसका K2 है, दोनों की लेंथ और एरिया दोनों चीज़ें बराबर हैं। सिमिलरली हमारे पास पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, उसमें भी कुछ एरिया और लेंथ हम दोनों अगर बराबर माने तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है K1+K2/2। इस तरीके से हमें फॉर सेम एरिया वाले फॉर्मूले, अगर एरिया अलग अलग होता है, लेंथ अलग अलग होती है, फिर हमको मैनुअली उसे सॉल्व कर लेना चाहिए, उसके फॉर्मूले रटने की कोई ज़रूरत नहीं। टॉपिक के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। टू रॉड्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज K1 and K2, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 and A2, अलग अलग क्रॉस सेक्शन आ गया, स्पेसिफिक हीट्स S1 and S2 आर ऑफ इक्वल लेंथ, उनकी लेंथ सेम है, द टेम्परेचर्स ऑफ टू एंड्स ऑफ ईच रॉड आर T1 and T2, तो टेम्परेचर भी बराबर है दोनों तरफ, यानी कि मतलब दोनों का डेल्टा टी सेम है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एट द स्टेडी स्टेट विल बी इक्वल इफ, इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो हमारे पास dQ/dt, उसको मैं मान लो बोल देता हूँ dQ/dt है ना, इज इक्वल टू, उसकी रेट आ जाती है के हमारे पास एरिया डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा टी। हमें बताना है कि अगर दोनों के लिए ये वाली वैल्यू बराबर है तो दोनों का ये कॉम्बिनेशन बराबर होना चाहिए, उससे हमारे पास कुछ कंडीशन निकल के आएगी, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, तो देखो हमारे पास क्या होने वाला है, K1 A1/L1 ∆T1 शुड बी इक्वल टू K2 A2/L2 ∆T2। अब क्वेश्चन में दिया है दोनों का डेल्टा टी की वैल्यू सेम है तो ये कट जाएगा, दोनों की लेंथ भी बराबर है तो ये भी कट जाएगा, हमारे पास सीधे कंडीशन आ जाती है K1 A1 शुड बी इक्वल टू K2 A2। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। और देखो यहाँ पे इनकी एक स्पेसिफिक हीट्स भी दे रखी है, स्पेसिफिक हीट से फर्क नहीं पड़ता है। स्पेसिफिक हीट से क्या होता, क्या स्पेसिफिक हीट कि इस रॉड में मैं कितनी हीट दूंगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमें स्टेडी स्टेट में तो रॉड में कोई भी हीट एक्स्ट्रा नहीं आएगी, जितनी इधर से घुसेगी उतनी उधर से बाहर निकल जाएगी, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी भी हो स्टडी स्टेट पर उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। एस वाले सारे ऑप्शन हमें हटा ही देने चाहिए, ये हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट का हीट ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है स्टडी स्टेट में जब दूसरी तरफ ट्रांसफर हो रहा था, तो एस वाले सारे ऑप्शन ऐसे हटा करके आप इस पर डायरेक्टली भी आ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। द टू एंड्स ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ एल एंड ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए आर केप्ट एट टू टेम्परेचर्स T1 and T2। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dQ/dt थ्रू द रॉड इन अ स्टडी स्टेट, सीधे फॉर्मूला पूछ लिया इन्होंने, सीधे फॉर्मूला पूछ लिया, तो इसका आंसर क्या होता है हमें पता है, dQ/dt यानी हीट ट्रांसफर की रेट वो होती है K A/L ∆T। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, K A ऊपर होना चाहिए डिवाइडेड बाई L नीचे होना चाहिए, ∆T यहाँ पर होना चाहिए, तो हमारा आंसर C आ जाएगा। इसको आप देखोगे तो डायमेंशनली भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें और कोई ये वाला ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं, कोई ऑप्शन और आ ही नहीं रहा है, डायमेंशनली भी सिर्फ यही ऑप्शन करेक्ट है, पर ये सीधे फॉर्मूला पूछा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर रॉड्स जिनका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर गिवन रेडियस आर एंड लेंथ एल ईच मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हुज एंड्स आर मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर विल कंडक्ट मोस्ट हीट. तो हमारी डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है, वो होता है हमारा के ई बाई एल डेल्टा टी. हमारे पास मेड ऑफ सेम मटेरियल तो हर रॉड के लिए के, और उनके पास एंड भी सेम टेम्परेचर में मेंटेन है, तो डेल्टा टी सबके लिए ही के और डेल्टा टी की वैल्यू सेम है. तो हीट ट्रांसफर किस में ज़्यादा होगा, जिसका ए बाई एल की वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना. तो वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. ओके, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है डी क्यू बाई डी टी इज प्रपोर्शनल टू ए बाई एल. अच्छा, एरिया किसके प्रपोर्शनल होता है, वो होता है आर स्क्वायर के और एल. तो जिसका आर स्क्वायर बाई एल ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर हो जाने वाला है ना. तो यहाँ पर आर स्क्वायर बाई एल हमारा एक्चुअली बी ऑप्शन में होगा. देखो ऊपर 2 है, नीचे एल नॉट है, तो वो हमारा 4 आर नॉट स्क्वायर बाई एल नॉट आ जाएगा. बाकी सब में वैल्यू इससे कम ही आएगी, आप सॉल्व करके देख लो. जैसे इसमें सिर्फ आर नॉट स्क्वायर बाई एल आ रही है एल नॉट, यहाँ पर आर नॉट स्क्वायर बाई 2 एल नॉट आ रही है, यहाँ पर 4 आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एल नॉट. तो यहाँ पर एक्चुअली ये वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़िया, हमारा आंसर बी आ जाता है सीधे सीधे. बहुत ही सिंपल सवाल था. टू एंड्स ऑफ अ मेटल रॉड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 100 and 110. द रेट ऑफ हीट फ्लो इन द रॉड इज फाउंड टू बी 4 जूल पर सेकेंड. ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस का होता है तो 4 जूल पर सेकेंड की हमारे पास हीट ट्रांसफर होता है. इफ द एंड्स आर मेंटेन एट टेम्परेचर 200 and 210 द रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी. तो देखो हमारी हीट फ्लो किसके कंपेरिजन, डी क्यू बाय डी टी हमारा फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू के ए बाय एल डेल्टा टी. इस बार हमारी रॉड तो बदल ही नहीं रही, तो ये वाली सारी वैल्यूज फिक्स. डेल्टा टी बदलेगा तो हीट ट्रांसफर की रेट बदल जाएगी. डेल्टा टी की वैल्यू क्या बदल रही है, डेल्टा टी देखो यहाँ पर था 10 डिग्री का डिफरेंस, यहाँ पर भी है 10 डिग्री का डिफरेंस. तो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर में कोई चेंज होने नहीं वाला है. तो पहले 4 की रेट थी, तो बाद में भी 4 की ही रेट होगी, हमारा आंसर आ जाता है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल क्वेश्चन तो कैसे ही आ सकता है. वैसे आ जाते हैं कई बार आप नीट में, देखो इतने सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप सोच में पड़ जाओगे ये पूछ भी क्यों रहे. अ सिलेंड्रिकल रॉड हैविंग टेम्परेचर T1 and T2 एट इट्स एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज Q1 कैलोरीज पर सेकेंड. If all the linear dimensions are doubled, keeping temperature constant, then the rate of flow of heat will be. काफ़ी सिंपल सवाल है. देखो हमें पता करना है कि रेट ऑफ फ्लो अगर Q1 है, Q1 की वैल्यू कितनी है, K A by L डेल्टा T. क्या सारे dimensions बदल दिए हैं, एरिया के लिए R होता होगा R square, तो R की वैल्यू डबल कर दी है, L की वैल्यू भी डबल कर दी है. तो बताओ हमारे Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो. और अब मैं बता देता हूँ, देखो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 इज इक्वल टू K, एरिया की जगह वो हो जाएगा हमारा 4A, क्योंकि एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय 2L इंटू डेल्टा टी की वैल्यू तो अभी भी उतनी है, तो यह आ जाता है हमारा 2 इंटू के ए बाय एल डेल्टा टी, जिसकी वैल्यू है 2 इंटू क्यू, क्योंकि के ए बाई एल डेल्टा टी की वैल्यू Q1 है यहाँ से, तो 2 इंटू Q1 हमारा आंसर रहता है बी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. आगे चलते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल आया है. देखो, अ डीप रेक्टेंगुलर पॉन्ड ऑफ सरफेस एरिया ए कंटेनिंग वाटर जिसकी डेंसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें दे रखी है इज लोकेटेड इन अ रीजन वेयर द आउटसाइड एयर टेम्परेचर इज एट ए स्टेडी वैल्यू ऑफ -26 डिग्री सेल्सियस. The thickness of frozen ice layer in this pond at any certain instant is X. Taking the thermal conductivity of ice as K, its specific latent heat of fusion is L. The rate of increase of thickness of ice layer at this instant would be given by. बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, पहले मैं समझा देता हूँ उसमें हो क्या रहा है, फिर उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके. तो हमारे पास देखो कहीं पर एक लेयर है, इस तरीके से आइस की लेयर है, ये हमारी लेक है, ऐसे मान लो हमारी लेक है. अच्छा, सिंपलिसिटी के लिए हमारे पास ना, हम उसका एरिया कांस्टेंट मानेंगे, तो मैं उसको ऐसी लेक बना रहा हूँ जैसे कि वो कोई ग्लास है, ऐसी लेक होती नहीं. ऊपर हमारे पास माइनस
26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ नीचे टेम्परेचर कितना होगा? इस जगह पे, इस जगह पे टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आइस और वाटर का इंटरसेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर एक्चुअली होगा 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो पानी नीचे आ रहा होगा, या हो सकता है उससे कम हो जाएगा क्योंकि ठंड बढ़ जाएगी, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर कहीं का भी पानी रह ही नहीं सकता, मान लो ऐसा हो जाएगा, तो नीचे भी फिर 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। लेट इट बी, हमें तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तरीके से पता। अब एक बात बताओ, ठंड है ऊपर तो बर्फ़ बढ़ती जाएगी, बर्फ़ बढ़ेगी तो ऊपर की तरफ बढ़ेगी या नीचे की तरफ बढ़ेगी? तो जो बर्फ़ जमना शुरू होगी, पानी बर्फ़ जमता है, तो यहाँ पर हमारा नीचे जो भी कांटेक्ट में पानी है वो जमता जाएगा, इस तरीके से थिकनेस नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर देखो कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है, कुछ इसकी लेंथ है जिसको आप x मान सकते हो एट एनी इंस्टेंट, कुछ इसका एरिया है a, कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है, कुछ कंडक्टिविटी है, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आ जाएगी हमारे पास, और वही जो हीट ट्रांसफ़र होगा उसी के कारण यहाँ पर हमारे पास कुछ मास होगा पानी का, जो 0 डिग्री सेल्सियस पानी था वो चेंज हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस में। तो हमारे पास यहाँ पर उस इंस्टेंट पे जो भी रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ जो थिकनेस है वो आ जाएगी। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, अब मैं बताता हूँ इसको कैसे। मान लो हमारे पास यहाँ पर, अब मैं इसको ना फिर से हटा देता हूँ, इसको नया डायग्राम बनाएंगे हम इस तरीके से। हमारे पास किसी भी समय में जो बर्फ़ की थिकनेस थी, मान लो वो थी x, उसके बाद हमारे पास नीचे थिकनेस बढ़ जाती है, ये हो जाती है हमारी dx थिकनेस। ओके, हमारी जो हीट ट्रांसफ़र इस वक्त हो रही होगी dq बाय dt, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? k इंटू एरिया a डिवाइडेड बाय जो भी इसकी थिकनेस है, ये एक स्लैब की तरह काम करेगा, जिसकी वैल्यू है x इंटू डेल्टा t। डेल्टा t कितना है? यहाँ पे -26 है, यहाँ पे 0 है, इंटू 26। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा सा हीट मेरी ट्रांसफ़र हुई है dt टाइम में, उसकी वजह से हमारी इतनी सी पानी बर्फ में बदल गया है, इतने से पानी का मास कितना हो जाएगा? उसका मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? यहाँ का एरिया इंटू ये वाली थिकनेस, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, तो वो हो जाएगा ए डी एक्स। ये तो हमारे पास मास आ गया, मास इंटू लेटेंट हीट, तो उसको मैं एल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये हमारे पास इस तरीके से सॉल्यूशन आ गया। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है वॉट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द थिकनेस ऑफ आइस लेयर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ आइस लेयर, यानी डी एक्स बाय डी टी हमसे पूछा है। यहाँ से हमारे पास सीधे सीधे डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू रहेगी, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू, यार लेके आ जाओ इसको 26। अच्छा, ए से देखो आप, ये ए कैंसिल आउट हो जाता है इस तरीके से, 26 इंटू के डिवाइडेड बाय रो एक्स एल, के हमारा डी एक्स बाई डी टी आ जाता है, जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी अच्छा सवाल था। अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है इसमें दिक्कत क्या है? मान लो, मतलब ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया, रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही होगी? देखो, मान लो हमने यहाँ से थोड़ी देर में और ये बढ़ता हुआ इधर आ गया, तो जो पूरी की पूरी यहाँ से हीट आ रही थी ना, वो सारी की सारी नीचे नहीं आएगी, वो सारी की सारी, सॉरी, यहाँ से जो हीट इधर जा रही थी वो पूरी की पूरी बाहर तक नहीं जाती है, कुछ हीट यहाँ से भी जाएगी। जैसे यहाँ पे अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे थी बर्फ़, ये वाली जो नई नई ताज़ा ताज़ा बर्फ़ जमी थी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, जैसे हमारी लेयर यहाँ पे आ जाएगी ये, तब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 0 था, तो मे बी इसका टेम्परेचर 13 डिग्री से -13 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो उस चीज़ को हमने कंसिडर नहीं किया, पर ठीक है, उसको अभी कंसिडर मत ही करो। लेटेंट हीट वैसे भी काफ़ी ज़्यादा होती है उस सबके कंपैरिजन में, तो एकदम परफेक्ट क्वेश्चन तो ये भी नहीं है, पर उतना परफेक्शन में हमें इस लेवल पे जाना भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर वेल्डेड टुगेदर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इनको यहाँ पर वेल्ड किया गया होगा, ये
their thermal conductivities are K1 and K2. The thermal conductivity of the composite rod will be, अच्छा यहां से देखो हमारा हीट ट्रांसफर ऐसे में हो रहा होगा, तो ये दोनों सीरीज में कॉम्बिनेशन है। अगर हमारा हीट ट्रांसफर ऐसे में हो रहा होगा तो ये पैरेलल में हमारा कॉम्बिनेशन है। तो कैसे हो रहा है हमारा हीट ट्रांसफर, देखो यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2, यानी ऐसे क्या इस डायरेक्शन में ऐसे हो रहा होगा। तो ये हमारा एक्चुअली एक सीरीज कॉन्फिग्रेशन है। सीरीज कॉन्फिग्रेशन में K1 K2 होता है, तो हमारे पास क्या, सॉरी पैरेलल कॉन्फिग्रेशन है, पैरेलल कॉन्फिग्रेशन में K1 K2 से हमारा K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है, फॉर्मूला लगाओ तरन और आंसर बता दो। तो वीडियो को पॉज करो, अगर आपको पता है तो हो ही जाएगा। हमारे पास K इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है K1 प्लस K2 बाय 2, सीधे सीधे हमारा डी आंसर आया था। अच्छा आप बोलोगे कि आप कैसे आती है वैल्यू, तो चलो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, वैसे इसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो अगर आपको पता है तो। देखो जो हीट ट्रांसफ़र हुई होगी उसको मैं बोल सकता हूँ, कुछ यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हुई होगी, कुछ यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हुई होगी। तो ऊपर वाले पार्ट में जो हीट ट्रांसफ़र हुआ होगा वो होगा K1A डिवाइडेड बाई L इंटू डेल्टा T। नीचे वाले पार्ट में जो हीट ट्रांसफ़र हुआ होगा उसको मैं बोल सकता हूँ K2A बाई L डेल्टा T इज इक्विवेलेंट टू, अगर मैं इसको पूरे को एक रॉड मानता जिसका नेट K इक्विवेलेंट होता, तो वहाँ पर मैं इक्वेशन क्या लिखता, इस बार एरिया की वैल्यू 2A हो जाएगी, है ना, दोनों को मिला करके उस कॉम्पोजिट रॉड का एरिया तो एक्चुअली 2A है, तो उसको मैं लिख देता K इक्विवेलेंट इंटू 2A इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाई L। यहाँ L से L कट जाता है, डेल्टा T से डेल्टा T, A से A कट जाता है, हमारे पास सीधे सीधे आ जाता है K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 बाय 2। अब ये तो था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसी तरीके से हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और उसका भी सवाल पूछ लिया नीट ने। ये देखो, कंसिडर ए कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग इक्वल थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटीज K and 2K रेस्पेक्टिवली, द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब इज। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता ये सीरीज में लगे हैं कि पैरेलल में लगे हैं, तो अब मैंने बोल ही दिया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज वाला है, तो आपको पता है ये सीरीज में लगे हैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे। कंसिडर ए कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग इक्वल थिकनेस, इक्वल थिकनेस, पहली बात तो स्लैब है, रॉड नहीं है, रॉड होती है मतलब हम ऐसा समझते हैं कि ऐसे में ट्रांसफर हो रहा है। जब हम स्लैब बोलते हैं तो ग्लास में भी पता है हमारे पास ऐसे स्लैब होती थी, ऐसे रह जाती थी, तो स्लैब है मतलब ऐसे ट्रांसफर हो रहा होगा। तो हमारे पास टू स्लैब्स हैं, उनकी थिकनेस बराबर, यानी ये होती है हमारी थिकनेस इस तरीके से। अब उनकी थिकनेस बराबर है तो ऐसे ऊपर नीचे रखी हुई है, उनका एरिया भी बराबर हमें अज्यूम कर लेना है, ये है हमारा K, ये है 2K, इस तरीके से हमारा हीट ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रहा होगा। और यहाँ पर सीरीज़ क्योंकि हमारा, अब देख रहे हो ना आप ये सीरीज़ में, इसमें से जाएगी फिर इसमें से जाएगी, तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। और सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में K इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। K1 की वैल्यू मान लो K है, तो 2 into K into 2K डिवाइडेड बाय K प्लस 2K, यानी कि यह आ जाता है 4K square upon 3K, इसकी वैल्यू हो जाती है 4/3 टाइम्स K, हमारा आंसर है A, हमारा आंसर इस तरीके से आ जाए। अब आप बोलोगे इसका डेरिवेशन क्या है, तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ से जो हीट जा रही होगी वही यहाँ से जा रही होगी, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे ना, रेजिस्टेंस में भी तो हम निकालते थे, वैसे ही कुछ आंसर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। टू मेटल रॉड्स 1 and 2 ऑफ सेम लेंथ हैव सेम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स, देयर थर्मल कंडक्टिविटीज आर K1 and K2 एंड क्रॉस सेक्शनल एरियाज A1 and A2 रेस्पेक्टिवली। If the rate of heat conduction in rod 1 is 4 times that of rod 2, तो ये बहुत ही आसान सवाल है, वीडियो को पॉज करो सॉल्व करने की कोशिश करो, हम मैं बताता हूँ। देखो हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, rod 1 है और rod 2 है, इसके लिए Q1 और Q2 हमारी मतलब जो रेट हीट ट्रांसफर वाली रेट है उसको क्या स्मॉल क्यों लिखते हैं, Q1 Q2, इसके बीच में कुछ रिलेशन हमें दिया है। इफ द रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन रॉड 1 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ रॉड 2, Q1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स Q2। Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 A1 by L1 delta T इज इक्वल टू 4 टाइम्स K2 A2 by L2 delta T। क्यों, क्योंकि डेल्टा टी दोनों में सेम है, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी को आप इस तरीके से काट सकते हो, तो K1 हो गया और दोनों की लेंथ सेम है, क्या सेम लेंथ है, तो हमारे पास ये L1 से L1 भी कट जाएगी और हमारे पास रिलेशन क्या आ जाता है, K1 A1
इज इक्वल टू 4 टाइम्स a2 विच इज b। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं। अ स्लैब ऑफ स्टोन ऑफ एरिया इतना एंड अ थिकनेस इतना इज एक्सपोज ऑन द लोअर सर्फेस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अ ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस रेस्ट ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द स्लैब। इन 1 आवर 4.8 kg ऑफ आइस इज मेल्टेड। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब इज। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ पहले। तो इसमें हमें करना क्या, देखो हमारे पास एक तरीके से स्लैब है जिसका हमें कुछ एरिया दे रखा है, कुछ थिकनेस इसकी दे रखी है, और एक घंटे में इसमें अच्छा नीचे हमारे पास नीचे स्टीम है, तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस आपको मानना है यहाँ पर, और यहाँ से कुछ हमारे पास हीट इस तरीके से ट्रांसफ़र होगी, तो ऊपर हमारी कुछ बर्फ थी वो इस तरीके से पिघल जाती है। तो बर्फ ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस पे रही होगी, पिघल रही है, तो ये इंटरफेस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आता है। हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। हमें बताना एक घंटे में जितनी हीट ट्रांसफ़र हुई है उससे जो बर्फ का अमाउंट पिघला उसको हम कैलोरीमेट्री से बराबर कर सकते हैं, और आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो हीट ट्रांसफ़र जो हुआ है उसकी वैल्यू हो जाती है के इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा टी इंटू टाइम टी इज इक्वल टू कितना मास पिघल गया है, तो एम इंटू उसकी जो लेटेंट हीट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये हमें करना है। के की वैल्यू हमें पता है क्या, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब ये हमें पता करनी है, तो के की वैल्यू हमें पता करनी है, वहाँ से हमारे पास आ जाता है। अच्छा ये लेंथ है, एल स्मॉल है, मास इंटू एल इंटू लेंथ, लेंथ या फिर इसको थिकनेस टी बोल देते हैं हम, दिस इज टी। अच्छा फिर से वो टाइम हो जाएगा, इसको मैं क्या बोल दूँ, इसको मैं पी बोल देता हूँ, दिस इज पी इंटू पी एम एल पी डिवाइडेड बाई ए डेल्टा टी इंटू टी। मास की वैल्यू कितनी है जो हमारा पिघला है, के इज इक्वल टू मास की वैल्यू है 4.8, लेटेंट हीट ऑफ आइस की वैल्यू है 3.36 इंटू 10^5 जूल पर केजी, और हमारी जो थिकनेस है उसकी वैल्यू है 0.1 मीटर, सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में है। एरिया की वैल्यू है 0.36 स्क्वायर मीटर। डेल्टा टी जो टेम्परेचर में डिफरेंस है उसकी वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस, और टाइम जो हमें लगा है वो है कितना, 1 आवर। 1 आवर की वैल्यू होती है 3600 सेकेंड। बस यही हमारा आंसर जाने वाला है, बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें पहले तो डेसिमल हटा देता हूँ, तो 48 इंटू 336 इंटू 100 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाता है 36 इंटू 36 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, 36 48 ही आ जाएगा हमारा 4/3, और 3 से ये कट जाएगा 112 आ गया। यहाँ पर फिर से ये वाली चीज़ कट सकती है एक बार, ये आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 28, ऊपर है 28 इंटू 4 जिसकी वैल्यू होती है 25 इंटू 4 होता है 100, 112 डिवाइडेड बाय 9। ये वाला 0.1 को मैं भूल गया हूँ, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी वैल्यू आप देखोगे तो 9 से 9 इंटू 12 कितना होता है 108, तो ये 12 से ज़्यादा, तो 1.2 प्लस समथिंग वैल्यू आएगी। तो एक्चुअली यहाँ पे आप देखोगे वो आंसर आ जाता है हमारा ए। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, है ना। अगले सवाल पे आते। अ सिलेंड्रिकल मेटालिक रॉड इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद टू रिजर्वायर्स ऑफ हीट एट इट्स टू एंड्स कंडक्ट्स एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू इन टाइम टी। द मेटालिक रॉड मेल्टेड एंड द मटेरियल इज फॉर्म्ड इनटू अ रॉड ऑफ हाफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल रॉड। तो रेडियस हाफ कर दिया, यानी एरिया 1/4 कर दिया, यानी लेंथ 4 टाइम्स हुई होगी जरूर, है ना। वॉट इज द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड बाई द न्यू रॉड वेन प्लेस इन द थर्मल कॉन्टैक्ट विद द टू रिजर्वायर्स इन टाइम टी। तो हमें पता क्या करना है, देखो क्यू की वैल्यू होती है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू के ए बाय एल डेल्टा टी इंटू टाइम टी। अब यहाँ पर के सेम रहने वाला है, डेल्टा टी सेम रहने वाला है, टी सेम रहने वाला है, खाली ये दोनों वैल्यूज चेंज होने वाले हैं। तो क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू के, एरिया हो जाएगा 1/4, तो ए बाय 4, लेंथ हो जाएगी 4 टाइम्स एल इंटू डेल्टा टी की वैल्यू वही है
टी की वैल्यू वही है, तो यहाँ से आप देखोगे क्यू डैश की वैल्यू आ जाती है एक्चुअली क्यू डिवाइडेड बाई 16, तो हमारा आंसर हो जाता है बी। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ज़्यादा आसान सवाल था। अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल ही नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलोरी मीट्री। कैलोरी मीट्री में हम देखते हैं बेसिकली कि एक आइसोलेटेड अगर हमारे पास सिस्टम हो जिसमें ना हीट अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है, उस केस में इंटरनली जितनी हीट गेन होती है उतनी ही लॉस होती है, मतलब एक ने लूज़ करी होगी, दूसरे ने गेन करी होगी, दूसरे ने लूज़ करी होगी, पहले ने गेन करी होगी, ऐसा कुछ हो जाता है। कैसे पता करते हैं वो हीट गेन या कम हुई है? तो वो हीट का अमाउंट इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसकी टोटल हीट कैपेसिटी आ जाती है इनटू जो उसका टेम्परेचर में चेंज हुआ है, एक डिग्री से पाँच डिग्री चला गया वो, ठीक है। और हमारे पास मान लो पानी है, पानी को हम उबाल रहे हैं, सॉरी बर्फ थी यहाँ पर, तो बर्फ को गर्म करेंगे गर्म करेंगे गर्म करेंगे तो ऐसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फिर वो जीरो डिग्री पर पहुँच जाएगी। अब उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगेगी, जीरो डिग्री पर बर्फ और जीरो डिग्री पर पानी में कुछ अंतर होता है, थोड़ी हीट देते हैं तो बर्फ से पानी में हम कन्वर्ट होते हैं। एक बार पानी में आ गया फिर पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक टाइम आएगा जब आप पानी को जीरो डिग्री 100 डिग्री पानी से 100 डिग्री स्टीम बनने के लिए हमें कुछ लेटेंट हीट देनी पड़ती है, तो फिर टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है और फिर इस तरीके से बढ़ता है। तो ऐसा हमारा इस तरीके से ग्राफ होता है, ये बस हमें देखना लेटेंट हीट का कमाल है यहाँ पे थोड़ा सा। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लिक्विड ऑक्सीजन एट 50 केल्विन इज हीटेड टू 300 केल्विन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 180। द रेट ऑफ हीटिंग इज कॉन्स्टेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद टाइम। 50 केल्विन से 300 केल्विन तक लेके गए, अगर बीच में फेस चेंज नहीं होता तो हमारे पास इस तरीके से ग्राफ आता। क्या हमें पता है कि बीच में फेस चेंज हो जाएगा? देखो 300 केल्विन क्या होता है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस या कितना 25 ऐसे कुछ आता है ना, 23 डिग्री सेल्सियस जो भी वैल्यू होती है। तो 300 केल्विन पे हमें पता है कि ऑक्सीजन गैस होती है और 50 केल्विन पे हमें दिया है कि वो ऑक्सीजन लिक्विड है, तो लिक्विड से हम गैस में आए तो हैं, तो बॉइलिंग हुई है, कहीं ना कहीं फेस चेंज हुआ, लेटेंट हीट वाला कमाल आएगा, तो हमारा ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे बढ़ेगा थोड़ी देर लेटेंट हीट रहेगा फिर ऐसे होगा, ये भी हमारा ग्राफ नहीं होने वाला, ये भी हमारा ग्राफ नहीं होने वाला, थोड़ी देर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए हमारा आंसर रहता है ए। इसमें हमें ज़्यादा सोचने के लिए कुछ था ही नहीं। आगे चलते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है। इफ़ 1 ग्राम ऑफ स्टीम इज मिक्स विद 1 ग्राम ऑफ आइस, ये मैं हमेशा बचपन में सोचता था कि एक तरफ उबलता पानी लो एक तरफ बर्फ लो दोनों को मिला दो तो क्या वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, करके देखा भी था मैंने, नहीं आता है। इस बार हम प्रूव करेंगे क्यों नहीं आता है। तो बहुत लोग बताते हैं कि इसमें 1 ग्राम ऑफ स्टीम इज मिक्स विद 1 ग्राम ऑफ आइस देन द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, तो ऐसा लगता है कि ये स्टीम थी 100 पे, ये था 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारा आंसर 50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, वो तो होता नहीं है, 270-230 तो चांस ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर एक्चुअली सी आ रहा है, और कैसे आ रहा है उसको देखते हैं। तो देखो हम मान लेते हैं कि हमारा टेम्परेचर एक्स डिग्री सेल्सियस हो गया होगा, ठीक है, आफ्टर मिक्सचर। पहले वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, आप देखते हैं कैसे। मान लो हमारा टेम्परेचर हो गया होगा एक्स डिग्री सेल्सियस, ओके, तो बर्फ ने जितनी हीट गेन करी है उतनी ही हीट स्टीम ने लूज करी होगी। बर्फ ने कितनी हीट गेन करी है? देखो पहले वो 1 ग्राम बर्फ पे थी तो उसको 1 ग्राम वाटर लाना पड़ेगा, लेटेंट हीट लगेगी, फिर उसको 1 ग्राम वाटर, अरे 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पानी को गर्म करना, तो हमारे पास हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। हीट गेन कितना हुआ है हमारे पास 1 ग्राम इंटू पानी की लेटेंट हीट कितनी होती है कैलोरीज में अभी बात करें तो वो हो जाती है हमारी 80 कैलोरीज, 1 ग्राम 80 कैलोरीज, ठीक है। प्लस हमारे पास अगर मैं 1 ग्राम को 100 डिग्री तक भी ले आता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमें जो हीट गेन करी होगी उसने उसकी वैल्यू हो जाती है 1 × 100 × स्पेसिफिक हीट कैलोरीज में होती है 1, तो 180 कैलोरीज की से ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। और हमारे पास अगर स्टीम है, ठीक है, स्टीम को अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम को मैं 100 डिग्री सेल्सियस वाटर लेके आऊं, तो कंडेंसेशन में कितनी हीट वो रिलीज करती है वो होती है, उसकी वैल्यू हो जाती है, हाँ हमारी लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी होती है 536 × 1 कैलोरी, तो इतनी हीट निकलेगी
लेकिन यूज सिर्फ इतनी हो रही है तो ऑब्वियसली इतनी पूरी की पूरी फिर वो नहीं निकलने वाली, यानी कि हमारी पूरी की पूरी स्टीम भी कंडेंस नहीं होगी, पूरी की पूरी स्टीम भी वाटर में कन्वर्ट नहीं हुई होगी और हमारा फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हमारे पानी का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए भाप से हमारा हाथ ज़्यादा जल जाता है, जबकि उबलते हुए पानी में डाल दोगे तो वो भी जलेगा लेकिन उतना ज़्यादा नुकसान तब नहीं होता। साथ में कूलर्स भी इसीलिए अच्छे से काम कर जाते हैं क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी ठंडा कर देता है थोड़ा सा पानी भी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था। ओके, इसका आंसर ऐसा दिखता है 50 होगा लेकिन है एक्चुअली 100, याद रख लेना इसको। थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पॉज करो सॉल्व करो। ओके, हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी, इसको तो डायमेंशनल एनालिसिस से भी कर सकता हूँ, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास की वैल्यू कितनी है? 40 ग्राम। क्या हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है? तो देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, इनटू स्पेसिफिक हीट है 0.2 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 8 कैलोरी पर केल्विन इज इक्वल टू 8 इंटू 4.2 जूल पर केल्विन। उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 33.6 जूल पर केल्विन, या फिर पर जूल पर डिग्री सेल्सियस, दोनों बोल सकता हूँ, दोनों की वैल्यू एक्चुअली तो सेम ही है। तो हमारा आंसर आ जाता है डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं, इससे सिंपल क्वेश्चन पता नहीं कहाँ तो मिलते होंगे। एन इलेक्ट्रिक केटल टेक्स 4 एम्पियर करंट एट 220 वोल्ट। अरे वाह, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रही है यहाँ पे। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस? द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें एक्चुअली पूरी की पूरी को स्टीम में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ उसको पहुँचा देना है 100 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। तो यहाँ पर कैसे हम इसी इक्वेशन लिखेंगे, हमारा जो एनर्जी इन, ई एन ई आर जी इन इज इक्वल टू हीट नीडेड। कितनी एनर्जी इन हुई होगी? 4 वोल्टेज इंटू एम्पेयर, वोल्टेज कितना था 220 वोल्ट इंटू 4 एम्पेयर, ये हमारी पावर आ गई, इंटू टाइम टी, ये हमारी हीट की वैल्यू हो गई, जितनी एनर्जी केटल ने कंज्यूम करी है जो कि गर्म करने के लिए यूज़ करी होगी। क्या गर्म किया उसने? 20 डिग्री से हमें लेके जाना है 100 डिग्री तक, यानी डेल्टा टी की वैल्यू 80 डिग्री है। मास कितना है हमारा? 1 किलोग्राम। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है? 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। और कितने टेम्परेचर है हमारा? 80 डिग्री का डेल्टा टी है हमारे पास। यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, ये देखो, ये इस तरीके से कट जाएगा, 4 से कट जाता है 2 से भी ये कट जाता है 11, टाइम की वैल्यू आ जाती है 4200 डिवाइडेड बाय 11 सेकेंड्स। ऑप्शंस सारे के सारे मिनट्स में है, तो इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 4200 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 60 मिनट्स, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा 6, ये आ जाता है हमारा 70 की वैल्यू आ जाती है 70 डिवाइडेड बाय 11 मिनट्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 point something, है ना, 6 point something मिनट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको पूरा सॉल्व करने की भी हमें न्यूमेरिक वैल्यू सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अ पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h सो दैट इट मेल्ट्स कम्प्लीटली। वाह, ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब बाई द आइस एंड ऑल द एनर्जी ऑफ आइस गेट्स कन्वर्टेड इन टू हीट ड्यूरिंग इट्स फॉल। ओके, तो द वैल्यू ऑफ एच, इसको कैसे सॉल्व करोगे? मान लो यहाँ से कुछ आइस हमारी नीचे इस तरीके से गिरी है ना, यहाँ पे गिर गई और उसकी कुछ एनर्जी जनरेट हुई होगी, क्या है वो? एम जी एच। अब इस एम जी एच का सिर्फ 1/4 को ही यूज़ कर पाते हैं हम आइस को पिघलाने के लिए। तो आइस को पिघलाओगे कैसे? मास इंटू उसकी जो लेटेंट हीट है, बस वो दे दोगे तो आइस पिघल जाएगी। इसको आपको सॉल्व कर देना, पॉज करो सॉल्व करो, क्या ही करोगे, अब मैं ही कर देता हूँ। मास से मास कैंसिल हो जाता है हमारे, एच की वैल्यू कितनी आ जाती है? 4L/g। लेटेंट हीट हमें दे रखी है 4 × 3.4 × 10⁵ जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, और यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाता है 13.6 × 10⁴।
यानी कि हो जाता है 136 × 10³ मीटर, यानी कि 136 किलोमीटर। 136 किलोमीटर से उसको गिराओ। एवरेस्ट कितना ऊंचा है हमारा? 8.3 किलोमीटर या 8.1 किलोमीटर ऐसे। तो इतनी ऊपर से यार बर्फ को कुछ गर्म करके पिघला लो, ऐसे गिरा के पिघलाने की जरूरत नहीं है कुछ। आगे चलते हैं। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। व्हेन वाटर अक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी। तो देखो हुआ क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से वाटर है जो था हमारा 10 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें से कुछ स्टीम निकाली हमने, तो स्टीम से इसमें हीट आएगी और यहाँ पर पानी हमारा बढ़ जाएगा, पानी का टेम्परेचर राइज होगा 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन यहाँ पर इस स्टीम ने जो हीट इसको दी होगी उसके कारण थोड़ी सी स्टीम यहाँ पर कंडेंस हो जाएगी, और कंडेंस हो जाएगी तो वो लिक्विड बन जाएगी, और लिक्विड इस लिक्विड में है तो उसको भी 80 डिग्री सेल्सियस तक आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा सा लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पर रह गया, सिर्फ ये 10 डिग्री सेल्सियस वाला 80 डिग्री सेल्सियस पर है, टोटल 80 डिग्री सेल्सियस पर आना ही। तो कुछ अमाउंट ऑफ मास, कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम हमारी कंडेंस हुई है, हमें वही पता करना है जो हीट लॉस हुआ है, हीट लॉस्ट बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर। इसी को आपको सॉल्व कर देना, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो हम कहते हैं, पहली बात तो स्टीम ने कितना लूज किया होगा। मान लो कि जो स्टीम का मास है उसकी वैल्यू थी मास की एम, तो उसने पहले तो लेटेंट हीट रिलीज करी होगी। लेटेंट हीट कितनी है स्टीम की, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज, अच्छा कैलोरी पर ग्राम में चल रहा है तो हम भी कैलोरीज में ही चलते हैं, और एम की वैल्यू भी हम ग्राम में मान लेते हैं, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आने वाला है, ठीक है। एम इंटू 540, ये हमारी लेटेंट हीट है, प्लस अभी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आई है हमारी स्टीम, वाटर बन गया। अब 100 से उसको 80 तक लाना है, ठीक है, तो उसने और रिलीज करा होगा, वो होगा एम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाती है 1, कैलोरी में 1 ही होती है उसकी वैल्यू, और टेम्परेचर डिफरेंस है 20, 100 से 80 तक है, इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाई 20 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम वहाँ पर उसका मास था, इंटू हीट कैपेसिटी 1 पर ग्राम, 1 कैलोरी, और कितनी हमारे पास उसका डेल्टा डी है, 10 डिग्री से वो गया है 80 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 70 डिग्री का डेल्टा टी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसे सॉल्व करते हैं हमें एम की वैल्यू मिल जाने वाली है, तो इसको सॉल्व करते ही आ जाता है एम इंटू 540 + 20, यानी कि 560, एम इंटू 560 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास हो जाता है 20 × 70, रहने देता हूँ उसको मैं, जीरो से ये जीरो कट गया और ये हमारा हो जाता है 7856 होता है, ये 8 आ जाता है। एम की वैल्यू आ जाती है 20 / 8, यानी कि 10/4, यानी कि 2.5। यूनिट क्या है यहाँ पे, हमारी ग्राम यूनिट चल रही थी तो ये वैल्यू भी आएगी ग्राम, तो इतना ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो गया है। इनको एक्चुअली एक ऑप्शन दे देना चाहिए था यहाँ पे 2.5 ग्राम, तो जिसका जल्दी से आंसर आता वो उसको टिक करके गलत कराया था। हमसे क्या पूछा है कि टोटल मास प्रेजेंट विल बी, तो 20 ग्राम तो पहले से ही था, टोटल मास की वैल्यू हो जाएगी 20 + m, यानी कि 22.5 ग्राम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 10 ग्राम ऑफ आइस क्यूब्स एट 0 डिग्री सेल्सियस आर रिलीज्ड इन अ टम्बलर, उनको टम्बलर में डाल दिया जिसका वाटर इक्विवेलेंट है 55 ग्राम, उसमें कुछ पानी होगा, उस टम्बलर की खुद की कुछ हीट कैपेसिटी होगी, सबका एवरेज आउट करके उन्हें बताया कि उसको आप 55 ग्राम ऑफ वाटर मान सकते हो। एट 40 डिग्री सेल्सियस, अज्यूमिंग दैट नेग्लिजिबल हीट इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द टम्बलर्स बिकम्स नियरली। तो देखो हमारे पास अगेन हमें सेम चीज करनी है, हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट गेन्ड, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। हीट का लॉस कितना होगा, मान लेते हैं कि हमारा जो फाइनल टेम्परेचर होगा उसकी वैल्यू थी टी, तो हीट लॉस हो गई है हमारा 55 ग्राम, वाटर था अगेन कैलोरीज और ग्राम में ही हम कैलकुलेशन करेंगे, 55 ग्राम इंटू
उसका जो टेम्परेचर मान लो टी हो गया, तो 40 से जा करके उसकी वैल्यू टी हो गई होगी, और उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा हीट लॉस्ट है इज इक्वल टू हीट गेन। तो हमारे पास 10 ग्राम आइस थी पहले, पूरी की पूरी को हमें लेटेंट हीट दे करके उसको वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लेटेंट हीट की वैल्यू है 80 कैलोरी पर ग्राम, तो इतनी तो हमने दे दी। प्लस उसको हमें लेके आना पड़ेगा 0 डिग्री वाटर से टी डिग्री सेल्सियस तक, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 10 × 1 हीट कैपेसिटी × 0 डिग्री सेल्सियस से टी डिग्री सेल्सियस तक, यानी टी माइनस 0, जो इसके लिए डेल्टा टी। यहाँ से आ जाता है हमारे पास 55 × 40 माइनस 55 टी इज इक्वल टू 800 प्लस 10 टी। तो यहाँ से आ जाता है 5500 × 40 जाता है 110 × 2200 माइनस 800 इज इक्वल टू 65 टी। यहाँ से आ जाता है हमारे पास 1400/65 = t। इसी को मैं लिख सकता हूँ t = 1400 × 2 / 130 कर दूंगा मैं नीचे, ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली, यार ये देखोगे ना आप, इसकी वैल्यू 10 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये हमारा आंसर 20 से थोड़ा ज़्यादा आने वाला है, 20+ आंसर आने वाला है, ऑप्शन बी हमारा आंसर आया था। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप कैलकुलेशंस कर सकते हो ना, इनमें से बाकी कोई ऑप्शन सही दिख नहीं रहा। आगे चलते हैं, तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कैलोरी मीटर के। अब आता है हमारे पास वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस लॉ के ना सवाल आते हैं, और इसमें इतना आसान सा फॉर्मूला है। देखो हमारे पास जब भी कोई एक रेडिएशन हो रहा होता है, तो उसमें हर फ्रीक्वेंसी हर वेवलेंथ की लाइट्स निकलती है, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोल देते हैं मान लो लैम्डा एम, और लैम्डा एम और जो टेम्परेचर है वो दोनों कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा, मान लो किसी बॉडी को मैंने ज़्यादा गर्म कर दिया, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट निकल रही जिस भी लैम्डा पे निकल रही होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो बस ऐसे ही सवाल आते हैं, और कुछ होता भी नहीं ऐसे, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं, अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन अ फ्लेम, लोहे को गर्म करें, इट फर्स्ट बिकम्स डल रेड, देन इट बिकम्स रेडिश येलो एंड फाइनली टर्न्स टू वाइट हॉट, द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल बाय यूजिंग, इसमें इसका आंसर देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी नहीं होगा, स्टीफन्स लॉ भी नहीं होगा, यहाँ पर स्टीफन्स लॉ कुछ और है, अभी बताएंगे हो गया, किरचॉफ्स लॉ तो बिल्कुल नहीं होने वाला, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसका आंसर है। कैसे है देखो, तो हमारे पास ना वो जो ग्राफ था ऐसे था, थोड़ी देर बाद उसको और गर्म करेंगे तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पर पहले रेड जोन में रही होगी, फिर उसको बढ़ाते जाते हैं, तो इस तरफ टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो जो मैक्सिमम लैम्डा है उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी लैम्डा कम होगा, हमारी एक्चुअली रेड से हम पर्पल की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, तो पहले आप फिर येलोइश गोल्डन में जाते हो, फिर ऐसा जगह पर पहुंच जाते हो कि सारी लाइट्स एक साथ निकल रही होती हैं, मैक्सिमम कोई और हो सकती है पर्पल हो सकती है, तो आप उसको और गर्म करते जाओगे तो ब्लूइश होता जाता है हमारा लोहा आप देखोगे तो, और सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो हमें वाइटिश दिखने लगता है, तो इसलिए वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, वेन्स लॉ इज कंसर्न विद रिलेशनशिप बिटवीन एमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ रेडिएटिंग सर्फेस, नहीं ये भी नहीं है, टोटल रेडिएशन एमिटेड बाई ए हॉट सर्फेस, नहीं वो भी अभी हम स्टीफन्स लॉ में पढ़ेंगे, एन एक्सप्रेशन फॉर स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन फॉर एनी सोर्स, नहीं ये भी नहीं है, अ रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एंड द वेवलेंथ एट विच देर इज मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ, एक्चुअली यही वाला है, लैम्डा मैक्स और टी के बीच में रिलेशन आता है, तो हमारा इसका आंसर भी डी हो जाएगा, तो कोई सॉल्व करने वाली तो चीज़ है नहीं। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन किधर है वो भी आ रहे हैं, देखो आ गए, इफ लैम्डा एम डिनोट्स द वेवलेंथ एट विच रेडिएटिव एमिशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी एट ए टेम्परेचर टी इज मैक्सिमम, देन इसमें हमें पता है क्या है, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से आ जाता है हमारा लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, आंसर ए, बहुत ही सिंपल, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं।
अगला सवाल देखो, बहुत ही आसान आसान सवाल आएंगे और ऐसे ही सवाल रिपीट होने वाले हैं। अ ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम एट टेम्परेचर 200 केल्विन। इट्स करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एट टेम्परेचर 300 केल्विन विल बी, बहुत ही सिंपल है, तो लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू लैम्डा एम डैश इंटू टी डैश, क्योंकि लैम्डा एम और टी का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहने वाला। तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश कर लो। ओके, अब मैं कर देता हूँ सॉल्व। लैम्डा एम की वैल्यू जब 2000 केल्विन हमारा टेम्परेचर था तो वैल्यू थी लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम का डैश, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी कर दी है 3000। तो यहाँ से हमारे पास 1000 से 1000 कट जाता है और आता है लैम्डा एम का डैश इज इक्वल टू 2/3 लैम्डा एम। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, बी हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था ना। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पर देखो, अ ब्लैक बॉडी एट 1227 डिग्री सेल्सियस। पहले तो ये जो हमारा लैम्डा एम एंड टी है, इसमें ये टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, तो पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाता है 1500 केल्विन। एमिट्स रेडिएशन विद मैक्सिमम इंटेंसिटी एट वेवलेंथ 5000 × 5000। ये कांस्टेंट रहने वाला है बाद में। इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 1000 डिग्री सेल्सियस, तो 1500 पहले था, अब इसे 1000 बढ़ा दिया है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2500 केल्विन इनटू लैम्डा एम। अब उसकी लैम्डा एम जो आने वाली है, यहाँ पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा लैम्डा एम इज इक्वल टू 5000 × 15/25 या फिर 3/5 और इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3000। थैंक्स। सी हमारा आंसर होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है। आगे चलते हैं। अ ब्लैक बॉडी इज एट टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन। चलो एब्सोल्यूट टेम्परेचर दे दिया। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 nm इज इतनी, एट वेवलेंथ 500 nm इज U2 एंड एट 1000 nm इज U3। वीन्स कॉन्स्टेंट बी इज इक्वल टू 2.88 × 10⁶ नैनोमीटर पर केल्विन पर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें हमें बताना है, कुछ रिलेशन बताना है। देखो हमारे पास इस तरीके से ग्राफ होता है, ठीक है, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहां से लैम्डा एम की वैल्यू आ जाती है, लैम्डा एम इज इक्वल टू बी बाय टी, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है 2.88 × 10⁶ नैनोमीटर इंटू केल्विन, नीचे टेम्परेचर हम रख देंगे 5760 केल्विन, केल्विन से केल्विन कट गया और यहाँ पे आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 500 nm एग्जैक्टली, ठीक है। लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ गई है 500 nm, तो यहाँ पर लैम्डा मैक्स कौन सा वाला होगा, ये वाला, ये है हमारा 500 nm। 500 पे हमारी जो एनर्जी है वो है U2, फिर इधर होगा कहीं 1000 nm, वहाँ पे हमारे पास है U3 और यहाँ पर कहीं होगा 250 nm, उस पर हमारी एनर्जी निकल रही होगी वो U1। तो अब U1 और U3 के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे पता है U2 इज़ मोर देन U3 एंड U2 इज़ ऑल्सो मोर देन U1। इस वेवलेंथ पे जो एनर्जी निकल रही होगी वो इस वेवलेंथ वाली एनर्जी से और इस वाली एनर्जी दोनों से ही ज़्यादा है, ये हमें देख के ग्राफ में पता चल जाता है। फिर मैं कौन सा ऑप्शन सही है, U2 इज़ मोर देन U1, बस यही वाला हमारा सही है, तो हमारा आंसर आ जाता है डी। On observing light from three different stars P, Q and R, it was found that intensity of violet color is maximum in spectrum of P, the intensity of green is maximum in spectrum of R and intensity of red is maximum in spectrum of Q. तो पहले तो हम लिख देते हैं P, Q and R तीन स्टार हैं। P में सबसे ज़्यादा क्या है हमारा violet और Q में हमारा है सबसे ज़्यादा red, इसमें हमारा green, okay? If TP, TQ and TR are the temperature, absolute temperature of PQ and R, तो क्या हम उनके बीच में कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो हमें क्या पता है कि T इंटू लैमडा एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो जिसका लैमडा ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। इन तीनों में सबसे ज़्यादा लैमडा किसका होता है, रेड का। सबसे छोटा लैमडा, सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट की।
जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है टी पी इज मोर देन, सबसे छोटा यहाँ पे आ जाएगा टी क्यू और बीच में आ जाएगा टी आर, ठीक है। इसकी वेवलेंथ छोटी है इसलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा है, ये वाला आ रहा है टी आर क्यू, हमारा ऑप्शन आ जाता है ए, करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर हम आगे चलते हैं, इसके साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब देखते हैं हम स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ क्या बोलते हैं कि जो भी रेडिएशन होता है वो होता है उसके कारण जो हमारी हीट निकलती है, जो पावर होती है वो होती है सिग्मा ए ई टी की पावर 4। यहाँ पर ए हमारा एरिया है, सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट है और ई ब्लैक बॉडी के लिए वो 1 हो जाता है उसकी वैल्यू, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में जिसकी वैल्यू होती है और उसकी पावर 4 है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये टी की पावर 4 होना है और इसी पे बहुत सारे सवाल आते हैं, इस टॉपिक पे बहुत सारे सवाल आते हैं और सारे के सारे बहुत ज़्यादा ही आसान है, तो उनको देखते हैं। अ ब्लैक बॉडी इज अ टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन, इट एमिट्स एनर्जी एट अ रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4, 500 की पावर 4। बस यही था सवाल, हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। ये कोई सवाल है पूछने का नहीं है ना, पर फिर भी ऐसे सवाल रिपीट हुए हैं। देखो एग्जैक्ट सेम, अ ब्लैक बॉडी इज एट 727 डिग्री सेल्सियस, इट एमिट्स एनर्जी एट रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू, अब कोई डायरेक्टली इसकी पावर 4 कर देगा लेकिन ये है डिग्री सेल्सियस में, तो इसीलिए हमारा आंसर ये नहीं होता है। हमारा आंसर होता है पहले आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1000 केल्विन, फिर उसकी पावर 4 कर दोगे, तो इसीलिए ए हमारा आंसर आया था। कुछ सॉल्व करने के लिए इसमें है ही नहीं, मतलब इससे आसान सवाल क्या ही हो सकता है। एक्चुअली इससे आसान सवाल इससे पिछले वाला था, वहाँ तो हमें सेल्सियस से केल्विन में भी कन्वर्ट नहीं करना था। अगला सवाल देखो, रेडिएशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज अप्रॉक्सीमेट्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट इट्स बेस्ट। तो ब्लैक बॉडी होती क्या है, जो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करती है वो सारी चीज़ें फिर एमिट भी करती है, क्योंकि स्टेडी स्टेट पर आप जितना एब्जॉर्ब करते हो उतना ही एमिट भी करते हो, ऐसी हमारी एजम्पशन होती है। तो सबसे सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कराने वाली हमारी एक जो ब्लैक बॉडी की हम डेमो जैसा बनाते हैं उसमें हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर पूरा अंदर एकदम ब्लैक कलर होता है, यहाँ पर ऐसे कुछ टेढ़ा सा लगा देते हैं तो इसके अंदर जितनी भी रे आती है ना वो इधर उधर उधर कहीं अंदर ही कैद होकर रह जाती है, तो यहाँ से कुछ बाहर निकलता ही नहीं है अंदर जाने वाला, तो ये एक ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करता है। तो फिर इसमें से जब रेडिएशन निकलती है किसी टेम्परेचर पर वो भी ब्लैक बॉडी की तरह ही एक्ट करती है, तो इसीलिए हमारा अ होल इन अ कैविटी मेंटेन्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इस पूरे का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर होता है। इनमें से बाकी कोई हमारा आंसर नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए, है ना, इसमें तो सॉल्व करने के लिए तो कुछ है नहीं। आगे चलते हैं, अ स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर रेडिएट्स 450 वॉट पावर एट 500 केल्विन, इफ द रेडियस वर हाफ एंड टेम्परेचर डबल्ड द पावर रेडिएटेड इन वॉट वुड बी। देखो पावर की वैल्यू क्या होती है, पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए ई टी की पावर 4, हमें पता करना है P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू एरिया के साथ क्या हुआ है, तो इफ द रेडियस वर हाफ तो एरिया हो जाएगा 1/4 ए बाई 4, ई इंटू टेम्परेचर क्या हुआ है हमारा, टेम्परेचर इफ द रेडियस वर हाफ एंड टेम्परेचर डबल तो ये हो जाएगा 2t की पावर 4, नीचे पहले हमारे पास क्या था सिग्मा ए ई टी की पावर 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा से सिग्मा क्या कट जाएगा, ए से ए कट गया, ई से ई कट गया, टी से टी कट गया और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 16/4 यानी कि 4। पहले था हमारा 450 तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, P2 की वैल्यू हो जाएगी 4 times P1 यानी कि 4 into 450 विच इज इक्वल टू 9800 सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चले देखो, इफ द रेडियस ऑफ ए स्टार इज आर एंड इट एक्ट्स एज अ ब्लैक बॉडी व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द स्टार इन विच द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज क्यू। ये क्या सवाल है, ये सवाल एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, हमारे पास क्या होता है क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए ई टी की पावर 4। अच्छा ब्लैक बॉडी है तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है Q इज इक्वल टू सिग्मा एरिया की वैल्यू रख दो 4πr² टी की पावर 4। हमसे क्या पूछा है टेम्परेचर, तो यहाँ से T की वैल्यू आ जाती है Q डिवाइडेड बाय
4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर इसकी पावर 1/4 व्हिच इज ऑप्शन नंबर डी। ये कोई सवाल था? ये सवाल ही नहीं है। तो आगे चलते हैं। द पावर रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी इज पी, ठीक है, इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा नॉट। ये अच्छा सवाल है, इसको मैं स्टार मार्क कर दूं। इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज सो दैट इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ इतना, द पावर रेडिएटेड बाय इट बिकम्स एन टाइम्स पी, द वैल्यू ऑफ एन ही। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो, हमारे को पहले तो ये पता करना है कि उसका टेम्परेचर बदला है तो उसकी वजह से जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो लैम्डा नॉट से कम हो गई है ना। तो हमारे पास क्या होता है, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हुई है तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ी होगी। कितनी बढ़ी है वो फैक्टर निकाल लो और उस फैक्टर की पावर 4 कर दोगे तो हमारा जो रेट, जो एन की वैल्यू है वो निकल आएगी। इसको वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। ओके, सॉल्व करते हैं। पहले हम पता करेंगे, देखो, हाँ, द पावर रेडिएटेड बाय बॉडी इज पी। तो इनिशियल था हमारे पास टी, टी इंटू लैम्डा नॉट इज इक्वल टू टी डैश इंटू लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी हो गई है, 3/4 लैम्डा नॉट। तो यहाँ से हमारे पास टी डैश की वैल्यू आ जाती है 4/3 ऑफ टी, ठीक है। तो हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है। इनिशियली हमारे पास जो पावर थी उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, सिग्मा ए, ई की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू टी की पावर 4। बाद में हमारे पी डैश की वैल्यू कितनी हो जाती है, हो जाती है सिग्मा इंटू ए इंटू 4/3 टी की पावर 4 विच इज इक्वल टू एन टाइम्स पी। तो यहाँ से एन की वैल्यू हो जाती है 4/3 की पावर 4 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 256 डिवाइडेड बाई 81 हमारा आंसर हो जाता है डी। अच्छा सवाल था ये, है ना, इसको अच्छा सवाल बोला जाएगा। आगे चलते हैं। द टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रिसीव्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्टार ऑफ रेडियस आर हुज आउटर सरफेस रेडिएट्स एज अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर टी इज गिवन बाय। तो देखो, पहली बात तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, हमारे पास एक स्टार है जिसका रेडियस है आर, टेम्परेचर है टी, ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करता है, और फिर हमारे पास एक आउटर किसी आर डिस्टेंस पे, कैपिटल आर डिस्टेंस पे हमें बताना है कि पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी आ रही है। तो देखो, यहाँ से जितनी भी एनर्जी निकली होगी, है ना, जितनी भी निकली होगी, पावर निकल रही होगी, उसको आप इस एरिया से डिवाइड कर दोगे तो पावर पर यूनिट एरिया आ जाएगी एट दिस डिस्टेंस। हमें वही कर देना, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। ओके, तो हमारी जो पावर निकल रही थी उसकी वैल्यू आ जाती है सिग्मा इंटू एरिया इंटू ई की वैल्यू 1 हो जाएगी और टी की पावर 4 हमें रख देना है। तो एरिया की वैल्यू आती है सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू टी की पावर 4। ये थी पावर। अब पावर पर यूनिट एरिया इस बड़े वाले में जो हमें आंसर पता करना है उसकी वैल्यू हो जाएगी, आंसर इज इक्वल टू दिस पावर डिवाइडेड बाई बड़े वाले स्फेयर का एरिया विच इज सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू टी की पावर 4। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। और ऐसे ही सवाल रिपीट होते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल था, देखो अब कैसे ये रिपीट होता है। अज्यूमिंग द सन टू हैव अ स्फेरिकल आउटर सर्फेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर रेडिएटिंग लाइक ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस। अब ये डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द पावर रिसीव्ड बाई ए यूनिट सरफेस नॉर्मल टू द इंसिडेंट रेज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन इज एग्जैक्टली वही हो जाएगा। पावर जो निकली थी उसको हमें एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, एरिया जो रिसीविंग एरिया है, तो विच इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया था 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू टी की वैल्यू कितनी है, टेम्परेचर टी प्लस 273 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू टी प्लस 273 की पावर 4 विच इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अ ब्लैक बॉडी एट 227 डिग्री सेल्सियस, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडिएट्स हीट एट द रेट ऑफ 7 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट ए टेम्परेचर ऑफ इतना
द रेट ऑफ हीट रेडिएटेड इन द सेम यूनिट्स विल बी, पहले तो देखो टेम्परेचर इनिशियल कितना था, टी आई की वैल्यू थी 227 डिग्री सेल्सियस यानी कि 500 केल्विन। टी फाइनल की वैल्यू कितनी है, टी फाइनल की वैल्यू है 727 यानी कि 1000 केल्विन। टेम्परेचर डबल हुआ है तो हमारी रेट क्या होती है, पावर इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, पी टू बाय पी वन इज इक्वल टू टी टू बाय टी वन की पावर 4 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 4 यानी कि 16 टाइम। पी टू की वैल्यू आ जाएगी 7 × 16 विच इज इक्वल टू 112 जो हमारा आंसर है बी। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ज़्यादा आसान था और ऐसे ही सवाल रिपीट होते हैं। देखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सन इज डबल्ड द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ विल इंक्रीज बाय, यार एग्जैक्ट सेम सवाल है, टी टू बाय टी वन की पावर 4 डबल कर दोगे तो 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16 आंसर आ जाएगा डी, इसमें हमें सोचना ही नहीं है। और देखो ऐसा ही सवाल फिर से रिपीट हुआ है, द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन इंसिडेंट नॉर्मली एट द सर्फेस ऑफ अर्थ इज 20 kcal पर स्क्वेयर मीटर पर मिनट, वॉट वुड हैव बीन द रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अर्थ इफ द सन हैड ए टेम्परेचर ट्वाइस द प्रेजेंट। अगेन टेम्परेचर डबल होगा तो पी डैश बाई पी इज इक्वल टू टी टू बाई टी की पावर 4 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। P dash will become P into 16 which is equal to P की वैल्यू कितनी थी 20 × 16 जिस इज 320 और यूनिट लगा लो किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर, आंसर है हमारा सी। कुछ दिमाग लगाने वाली इसमें बात ही नहीं है। और हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बोलते क्या है न्यूटन जी, न्यूटन जी सब जगह आ गए, कूलिंग हीटिंग कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, वो ऑप्टिक्स में भी हैं सब जगह। देखो हमारे पास जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो बहुत तेज़ी से ठंडी होती है, क्यों, क्योंकि मान लो हमारे पास कोई सराउंडिंग का टेम्परेचर था, उसका इनिशियल टेम्परेचर किसी बॉडी का ये था, तो इस वक्त टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होती है वो इस टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा टी के। अब इनिशियली डेल्टा टी ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी ठंडी होगी, देखो ऐसे तेज़ी से उसका टेम्परेचर गिर रहा है, जैसे ही टेम्परेचर गिरेगा तो अब डेल्टा टी की वैल्यू कम हो जाएगी तो अब उसका स्लोप कम होता जाएगा और इवेंचुअली आप देखोगे ऐसे इनफाइनाइट टाइम में वो नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये सराउंडिंग टेम्परेचर ही ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, दिन में कहीं और है रात को कहीं और है, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं, पर हाँ आइडिया ऐसा है। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, dT/dt ये क्या है, टेम्परेचर जिस ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है समय के साथ इज इक्वल टू माइनस के सम कॉन्स्टेंट, कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू रही होगी जो उसकी ज्योमेट्री और जो भी मटेरियल है किस बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, इनटू डेल्टा टी, कौन सा डेल्टा टी, ये वाला डेल्टा टी उस वक्त जो टेम्परेचर था, जिसको आप नीचे ले जाओगे इस डीटी को इधर ले जाओगे इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, टी इज इक्वल टू टी सराउंडिंग्स जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर इनटू ये जो इनिशियल चेंज सॉरी डिफरेंस इन टेम्परेचर था टी नॉट से, मान लो हमारी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करी थी ये था टी नॉट, इसको मैं मार्क कर देता हूँ टी नॉट माइनस टी सराउंडिंग, तो ये इनिशियल डेल्टा टी की वैल्यू आ गई इंटू ई की पावर माइनस के टी, कुछ कॉन्स्टेंट है के, और देखो टी की वैल्यू जीरो रख दोगे तो यहाँ पर आ जाता है टी इज इक्वल टू टी सराउंडिंग प्लस टी नॉट माइनस टी सराउंडिंग, तो वैल्यू सिर्फ टी नॉट रह जाती है, टी इज इक्वल टू जीरो पे टी नॉट की वैल्यू आ जाती है, टी की वैल्यू इनफाइनाइट रख दोगे तो टेम्परेचर आ जाता है हमारा टी सराउंडिंग के बराबर, ये वाली वैल्यू जीरो हो जाती है। अब सवाल हम ऐसे तो नहीं कर सकते हमेशा ये ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सब सॉल्व एग्जाम हॉल में नहीं करते, तो इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। अब अप्रॉक्सीमेशन कैसे करोगे, देखो ये dT/dt को आप कर दो dT/dt है ना, और ये माइनस के को माइनस के रहने दो, और ये जो डेल्टा टी था इसको आप कर दो dT mean यानी एवरेज कितना रहा। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो हम इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा नहीं सॉल्व करते, हम यहाँ पर इतना सा मानते हैं, मान लो ये T1 से लेकर T2 तक नीचे आ गए, ठीक है T1 से लेकर T2 तक नीचे आ गए, तो ये हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई T1 से लेकर T2 तक, है ना, स्मॉल डेल्टा टी एज इट इज नीचे, K की वैल्यू यही है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है dT mean, तो मीन क्या हो जाएगा T1 से T2 तक आए हो तो इन दोनों के बीच वाला टेम्परेचर और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर ये, तो ये बीच वाला टेम्परेचर की वैल्यू होती है T1 + T2/2 और माइनस टी सराउंडिंग, तो बस एक ही फॉर्मूला हमें इसका याद रखना, इससे सारे के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, आप इसको ये याद रख लो।
ये से ये बनाना आसान है, माइनस है ना, तो ये T2 - T1 था, माइनस इधर ले लोगे तो T1 - T2 हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने, वैसे मैग्नीट्यूड देख लेना आप तो खाली। हाँ स्टार्ट करें सॉल्व करना क्वेश्चंस। अ बीकर फुल ऑफ हॉट वाटर इज केप्ट इन अ रूम इफ इट कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टू 75 डिग्री इन T1, 75 टू 70 इन T2 एंड 70 टू 65 इन T3। देन तो देखो हमारे पास कहाँ था, 80 पे था, फिर 75 पे आया, फिर 70 पे आया और 65 पे आया। इस तरीके से हमारे पास एक्चुअली जो ग्राफ होता है वो ऐसे आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। तो यहाँ पर हमें टाइम लगा है T1, यहाँ पर लगा है T2 और यहाँ पर लगा होगा हमें T3। हमें पता है क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर इधर है तो ये वाला टेम्परेचर ड्रॉप सबसे जल्दी होगा, फिर उससे ज़्यादा टाइम इसने लिया होगा, सबसे ज़्यादा टाइम इसने लिया होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर T1 सबसे छोटा होगा, T2 उससे बड़ा होगा, T3 सबसे बड़ा होगा और ऐसा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए था भी नहीं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन अ लार्ज रूम हैविंग एयर टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा सवाल है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे हमें ना सारी वो कैलकुलेशंस पता चले। टेक्स 12 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री टू 70 डिग्री। द टाइम टेकन टू कूल फॉर द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 70 डिग्री टू 60 डिग्री वुड बी। पहली बात तो इसको एनालाइज करते हैं, 80 डिग्री से 70 डिग्री हमारे पास यहाँ पे वो बनाते हैं, ये 80 पे था, फिर 70 पे आया, फिर 70 से फिर 60 पे आ गया। हमारे पास सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ टाइम लगाया हमें 12 मिनट का, 12 मिनट यहाँ से आने, तो यहाँ से आने में हमें पहले बताओ 12 मिनट से ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। अब देखो यहाँ पर हमारा जो एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस था ये था 75, यहाँ पर हमारे पास एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस है कितना है, 65 - 25। तो यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा था, यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा गर्म थी तो यहाँ पे तेज़ी से ठंडी हुई होंगी। तो अगर यहाँ पे 12 मिनट का समय लगा तो यहाँ पे 12 मिनट से ज़्यादा का समय लगा होगा, तो ये वाले ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। कौन से, 12 मिनट भी नहीं हो सकता, 10 मिनट भी नहीं हो सकता। अब हो सकता है हमारा 20 मिनट आंसर रहे या 15 मिनट आंसर रहे, और इन दोनों में से ही हमें पता है 20 मिनट भी नहीं होगा, इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो 15 मिनट होता है, वैसे इसको आप मार्क कर सकते हो। लेकिन अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है, dQ/dt इज इक्वल टू -K∆t, ऐसा हमने पढ़ा था। अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं। तो इसका अप्रॉक्सीमेशन होता है हमारा ∆Q/∆t इज इक्वल टू -K∆t/∆t इज इक्वल टू -K∆t mean। चेंज इन टेम्परेचर फर्स्ट केस में कितना, फर्स्ट केस में हमारा चेंज इन टेम्परेचर है 80 डिग्री से 70 डिग्री तक, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस का हमारे पास टेम्परेचर चेंज। कितने सेकंड में हुआ है, अच्छा टाइम की यूनिट्स मिनट में लेते हैं क्योंकि आंसर हमारा नेक्स्ट भी मिनट में है। डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू -K, या फिर इस माइनस के को दूसरा सम के बोल देता हूँ मैं, इसकी वैल्यू के रख देता हूँ, इंटू ∆t mean। ∆t mean यहाँ पर जी टेम्परेचर डिफरेंस कितना, देखो पहले 80 से 25 के बीच का डिफरेंस होता है, इसकी कुछ वैल्यू होगी, फिर 70 से 25, तो हम मीन वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे। देखो 70 और 80 के बीच में क्या आता है, 75, 75 से 25 के बीच का डिफरेंस कितना है, वो है 75 - 25 जिसकी वैल्यू एक्चुअली हो जाती है 50। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाती है 10 / 12 × 1/50। ठीक, अब हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। दूसरी इक्वेशन में हम फिर लिखेंगे ∆t की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट टाइम हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है 70 से 60, 10 डिग्री का ही है, इस बार कितना टाइम लगा ∆t वो हमें पता करना है, उसकी वैल्यू हम t रख देते हैं, इज इक्वल टू K × ∆t mean। इस बार मीन टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, देखो 70 और 60 के बीच में आता है 65, 65 से 25 वो हो जाएगा 65 - 25, और यहाँ पर t की वैल्यू आ जाती है t = 10 / 65 - 25 कितना हो जाता है 40 / k जिसकी वैल्यू हो जाती है, हाँ यहाँ नीचे आ जाएगा 10, ऊपर आ जाएगा 12 और 50 आ जाएगा तरीके से, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको सॉल्व करोगे ये इस तरीके से कट गया और ये आ जाता है
12 × 5/4, इसकी वैल्यू हो जाती है 3 × 15, 15 मिनट हमारा आंसर आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैं समझा समझा के कि ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आप इसको टैक्स से सॉल्व कर सकते, ठीक है। और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस रिपीट होते, यही सब रिपीट हो जाता है। देखो, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70° to 60° इन फर्स्ट 5 मिनट्स एंड टू 54° सेल्सियस इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर। बहुत आसान सवाल है, इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास पहले हम थे 70° पे, वहाँ से हम आए 60° पे, तो इन दोनों के बीच का मीन क्या रहा होगा, 65। ना पहले तो मैं ये देखता था, फिर 60 से हम आते हैं 54 पे, और इन दोनों के बीच का मीन कितना है, 60 और 54 के बीच में, वो हो जाता है 57। हमारे पास यहाँ पे कुछ टी सराउंडिंग रहा होगा, इस तरीके से टी सराउंडिंग, तो ये हमारा Δt1 लेना है हमें, ये लेना है हमें Δt2। दोनों में 5-5 मिनट का टाइम लगा है, तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। वो दूसरा सॉरी टी सराउंडिंग की वैल्यू क्या है, जल्दी से सॉल्व करके वीडियो को पॉज करके बताओ। ओके, हम सॉल्व करते हैं, देखो, हमारा Δt/Δt इज इक्वल टू Kδt मीन, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करने रखते हैं, पहली बार में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Δt, पहली बार में जो हमारा टेम्परेचर में चेंज आया वो 70 से लेकर के 60 तक आया, तो वो जाता है 70 − 60 / Δt की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 5 सेकंड रहने वाला है, वो इज इक्वल टू K × Δt mean, ये वाला Δt mean इनिशियल कितना है, 65 − Ts, ये है इक्वेशन नंबर 1। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ जाता है हमारे पास, इसको 1 नहीं बोलूँगा मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, 70 − 60 = 10, 10/5 = 2 इज इक्वल टू K × 65 − Ts, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड टाइम में क्या रहा होगा, हमारे पास देखो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, 60 से 54 तक है, तो यानी कि 6 / टाइम, इस बार भी 5 लगा था, 6/5 इज इक्वल टू K times, इस बार हमारा मीन टेम्परेचर कितना था यहाँ पे, 57 से Ts तक गया है ना, 57 − Ts, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम कर देंगे 1/2, तो उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाता है 2/2 × 5, ये जाता है 10/6 इज इक्वल टू 65 − Ts / 57 − Ts। यहाँ से Ts को बस हमें सॉल्व करना था, 570 − 10 Ts इज इक्वल टू 65 × 6, उसकी वैल्यू हो जाती है 390 − 6 Ts, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 570 − 390, उसकी वैल्यू होता है 180 इज इक्वल टू 4 Ts, यानी Ts इज इक्वल टू 45°C। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार, ये ए हमारा आंसर आ गया। अगेन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है, ये जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ये अप्रॉक्सीमेशन है, पर ठीक है, चल जाएगा इसके बाद। हाँ, आगे चलते हैं। अ बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 50° C to 48° C इन 5 सेकेंड, How long will it take to cool from 40° C to 39°C? Assume the temperature of surrounding to be 30°C. Newton's law of cooling to be valid. बहुत अच्छा सवाल है, देखो हमारे पास बहुत अच्छा सवाल है, इसको आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट केस में, केस वन लिखते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है Δt/Δt इज इक्वल टू K times Δt mean। फर्स्ट केस में हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, 50 से लेकर 48 तक गए, उसकी वैल्यू आ जाती है 2/5 सेकेंड इज इक्वल टू K × Δt mean कितना है, 50 और 48 के बीच का टेम्परेचर होता है 49 से 30 के बीच में हमारे पास जो डिफरेंस है वो हो जाता है 49 और 30 के बीच में डिफरेंस है 90। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, Δt उसकी वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री से इस बार आप आए हो सिर्फ 39 तक, यानी कि 1
डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, वो टाइम हमें पता करना है, उसको मैं टी बोल देता हूँ, इज इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा टी मीन। अच्छा 40 से 39 तक आए हो, यानी कि एवरेज टेम्परेचर रहा होगा 39.5 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग है 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 9.5 into 9.5। अब यहाँ पर हम इन दोनों को डिवाइड अगर कर दें, है ना, ये है इक्वेशन नंबर टू, तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो यह जाता है 2/5 या डिवाइडेड बाय 1/t, यानी कि ये इंटू टी हो जाएगा, ये हमारा इज इक्वल टू 19/9.5, यानी ये भी हो जाता है हमारा 2, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी फिर से 5 सेकेंड और d हमारा आंसर हो जाता है। तो आपको देख के लग रहा होगा ये क्या हुआ, तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा जो मीन टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वैल्यू भी हाफ हो गई है, देखो पहले था 19 अब बाद में हो गया 9.5, तो हीट ट्रांसफर की रेट हाफ हो गई होगी। लेकिन जो जंप था पहले यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस का जंप था, इस बार 1 डिग्री सेल्सियस का ही जंप है, तो हीट ट्रांसफर जितना करने की ज़रूरत थी वो भी हाफ हो गया है, तो इसीलिए टाइम सेम ही आने वाला है, पहले भी 5 सेकंड था बाद में भी 5 सेकंड है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था, मैं इसको काफ़ी अच्छा सवाल बोलना चाहूँगा। आगे चलते हैं, द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द हीट ट्रांसफर बाय। अच्छा हीट ट्रांसफर में ग्रेविटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो हमारे पास कंडक्शन में ग्रेविटेशन का कोई काम नहीं है, है ना। स्टीरिंग ऑफ लिक्विड, दो लिक्विड हैं गर्म ठंडा, उसको मिक्स कर रहे हैं तो हीट ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें ग्रेविटेशन का कोई काम। रेडिएशन, रेडिएशन में तो ग्रेविटेशन छोड़ो, किसी मीडियम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। नेचुरल कन्वेक्शन, इसमें हमें ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है, मान लो हमारे पास पानी है यहाँ पर गर्म पा कर दो उसे, तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है लेकिन इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो नीचे खींचा चलाता है ये ऊपर जाता है, इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से फ्लो सेट हो जाता है यहाँ पे। तो ग्रेविटी नहीं होगी तो ये फ्लो नहीं बनेगा, इसलिए फ्लो सेट होता है, इसीलिए नेचुरल कन्वेक्शन में हमें ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ती है, और ग्रेविटी के कारण ही हमारा फ्लेम जो है वो भी ऐसा बनता है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो यहाँ से गर्म हवा ऊपर नहीं जाएगी, ठंडी हवा नीचे नहीं आएगी, तो हमारा फ्लेम फिर वहाँ पर आप देखोगे कि ऐसा गोल सा फ्लेम बन जाता है, कहाँ पर स्पेस में जहाँ पर ग्रेविटी रिलेटिवली हमें फील नहीं होती उस जगह पर। तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के। आ जाओ मेरी लाइव क्लासेस में, उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और मेरा कोड लगाना है विक्रांत, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा कोड लगाओ विक्रांत, आ जाओ, प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, ये कलरफुल नोट्स आपको मिलने वाले bit.ly/physicsendgame, यहाँ पे आ जाना, अपने सारी की सारी स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट, सारे की सारी स्ट्रक्चर चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।